हेलो एंड वेलकम बैक वन सेकंड लाइव फ्रॉम खैबान अमीन क्रिकेट ग्राउंड। आज का चौथा क्वार्टर फाइनल जो कि खेला जा रहा है होस्ट टीम साहिर एसोसिएट और विजडम सेरामिक्स। स्टेट सीधे पल्ले से खेले हैं स्टेट की तरफ रौख्याम, उसने इसके साथ ही अपना खाता खोला तो एक रन स्टेट की तरफ खेले ख्याम के साथ है मुबशर। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। स्वीप किया है फाइनल की तरफ, गेंद जा रही है चार रन के लिए। बहुत ही शानदार अंदाज से स्वीप किया मुबशर ने और चार रन हासिल किए। पहला ओवर करवा रहे हैं कप्तान असगर, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। आज के मैच के ऑफिशियल्स हैं अंपायर्स, टू अंपायर्स, वन ऑफ द कैसर वहीद एंड अदर वन इरफान दिलशाद, और टेक्निकल टीम जो आपको लाइव प्रोडक्शन दिखा रहे हैं यूट्यूब पर वो है खुरम, इरफान मंजूर। आप लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं और कमेंट्री लाइव कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। तो इसके साथ ही पहले ओवर का खत्म, स्कोर है 5 बगैर किसी नुकसान के। रौख्याम मुबशर बॉलिंग के लिए आए हैं जावेद मलिक, काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं जावेद मलिक। सामना करेंगे ख्याम, रौख्याम, विजडम सेरामिक्स के बल्लेबाज। जुमे के वक्फे के बाद दोबारा क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ है चौथा, इससे पहले तीसरा क्वार्टर फाइनल। वॉल टाइम, वॉल ऑफ स्टाइल, 6 रन्स, शानदार अंदाज से 6 रन हासिल किए रौख्याम ने। बहुत ही जबरदस्त अंदाज से खेले हैं रौख्याम और 6 रन हासिल किए। वेलकम किया जावेद मलिक को रौख्याम ने इस छक्के के साथ। रौख्याम वेल प्लेड एंड मिसफील्ड पिकअप 1 रन। स्कोर मूव टू 12-12। दूसरे ओवर का खेल जारी है, आज का आखिरी मैच और चौथा क्वार्टर फाइनल होस्ट टीम साहिर एसोसिएट और विजडम के दरमियान। दफाई अंदाज से खेले थे मरतबा मुबशर,
तो जबरदस्त इवेंट्स कंटिन्यू इन खिबाने अमीन। खेल दिया है फाइनल की तरफ, खेल दिया है चार रन के लिए। तो स्कोर में और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 16। जबरदस्त टाइमिंग का सहारा लिया मुबशर ने। जवेद मलिक जो 11 रन दे चुके हैं, दफाई अंदाज से खेले बैट्समैन मुबशर। आप इस मैच को बराह रास्त देख सकते हैं YouTube चैनल साहिर एसोसिएट से। इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 16 बगैर किसी नुकसान के। आज का आखिरी मैच नॉकआउट का चौथा क्वार्टर फाइनल, एक बार फिर आए हैं कप्तान अली असगर, अली असगर डोगर। काफी मंजे हुए प्लेयर हैं अली असगर, जबरदस्त बॉलिंग करवाते हैं कप्तान। देखना होगा मुबशर के साथ क्या करते हैं अली असगर। लेग साइड की तरफ खेल दिया इस मरतबा मुबशर ने, एक रन नहीं बन सकेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 18। इस दफा हिट लगाई चार रन के लिए, एक्सलेंट हिट रौखियाम, जबरदस्त बैटिंग करते हुए रौखियाम और उनके साथ मुबशर। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 22 बगैर किसी नुकसान के। इस मैच को बराह रास्त दे सकते हैं YouTube चैनल साहिर एसोसिएट से। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे भाई राजा हसन अख्तर इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए एक रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 23। तीसरे ओवर का खेल जारी है, कप्तान बॉलिंग करवा रहे हैं और सामना करेंगे मुबशर। अंपायर का इशारा है वाइट बॉल और एक्स्ट्रा का इजाफा होगा, वाइट बॉल एंड 4 रन्स, 5 रन्स मिले इस बॉल पर, एक्स्ट्रा के 5 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 28।
लेग साइड की तरफ खेले हैं एक बार फिर, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाय। कप्तान लेग साइड पर बॉल करवा रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा में इजाफा हो रहा है। राव ख्याम सामना करेंगे कप्तान का, इस दफा खेल दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से दो रन के लिए। इसके साथ ही तीसरे ओवर का खात्मा, स्कोर है 31 बगैर किसी नुकसान के। जबरदस्त परफॉर्मेंस का मजाहरा, तीन ओवर मुकम्मल, स्कोर है 31 बगैर किसी नुकसान के। वेल प्लेड। बॉलिंग के लिए एक मरतबा फिर आए हैं जावेद मलिक, उठा है इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ चार रन के लिए। मिडाउन के ऊपर से खेला है चार रन के लिए, बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए राव ख्याम चार रन हासिल किए। मेजबान टीम साहिर एसोसिएट ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और भरपूर फायदा उठा रहे हैं पहले छह ओवर सर्कल का विजडम साइड की टीम। चौथे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 36 और बगैर किसी नुकसान के। Well played once again. And cover, extra cover, four runs. एक और दिलकश अंदाज से चार रन हासिल किए राव ख्याम ने। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा, जबरदस्त अंदाज से चार रन हासिल किए। जबरदस्त परफॉर्मेंस, जावेद मलिक वंस अगेन वेल प्लेड एंड बट दिस टाइम गुड फील्डिंग, एक्सलेंट फील्डिंग दिस यंग मैन। इस दफा शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया इस नौजवान ने, उम्दा डाइव लगाकर, यकीनन चौका था जो कि रोका है इस नौजवान ने, बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। स्कोर बढ़ता हुआ 41। लेग साइड की तरफ खेला था लेकिन कोई रन नहीं बन सका। चौथे ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 41 बगैर किसी नुकसान के। Well played. स्टेट की तरफ खेला है लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। तो इसके साथ ही चौथे ओवर का खात्मा, स्कोर है 42 बगैर किसी नुकसान के।
पांचवा ओवर करवाने के लिए आए हैं रंधावा। सामना करेंगे रोहयाम, बहुत ही अच्छी बॉल रंधावा की। स्कोर है 47 फॉर नो लॉस्ट। पांचवें ओवर का खेल जारी है। बहुत ही अच्छी बॉल, उम्दा बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। तो इसके साथ ही पांचवें ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 47 फॉर नो लॉस्ट। बॉलिंग के लिए आए हैं इमरान खालिद। बहुत ही अच्छी बॉल, छठे ओवर के लिए आए हैं इमरान खालिद। स्कोर बढ़ता हुआ 48। कट किया, स्कोर अभी भी रुका है 48 पर। छठे ओवर का खेल जारी है। बहुत ही अच्छी बॉल, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा इमरान खालिद। लेग साइड की तरफ खेले हैं 4 रन्स के लिए। इसके साथ ही 50 रन्स मुकम्मल हुए विजडम सिरेमिक्स की टीम के। तो टोटल स्कोर चुका है 52। गुड पार्टनरशिप बिटवीन रोहयाम एंड मुबशर। ओपनिंग स्टैंड 52 रन बना चुके हैं दोनों ओपनर्स। बहुत ही अच्छी बॉल, इसके साथ ही छठे ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 52 बगैर किसी नुकसान के। अब बॉलिंग के लिए आए हैं यासर अजमल। यासर अजमल बहुत ही जबरदस्त
स्पिन बॉलर है, बहुत ही जबरदस्त है। सामने करेंगे मुबशर, वेल प्लेड, सिक्स रन्स। यासर अजमल को खुशामदीद किया छक्के के साथ इस नौजवान मुबशर ने, बहुत ही जबरदस्त छह रन हासिल किए मुबशर ने। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज मुबशर और उनके साथ है रौखियाम। What a time, class of time for extra cover for four. दूसरी बाउंड्री हासिल की मुबशर ने। यासर अजमल को एक और बाउंड्री रिसीव की मुबशर ने। दफाई अंदाज से खेले, एक रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 63-63। बहुत ही अच्छी बॉल, दफाई अंदाज से खेले। एक रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 64। इसके साथ ही सात ओवर मुकम्मल स्कोर है 64 बगैर किसी नुकसान के। स्कोर बढ़ता हुआ 65। आठवें ओवर के लिए आए हैं इमरान खालिद, गुड रनिंग। एक रन का और इजाफा, आठवें ओवर का खेल जारी है। स्कोर बढ़ता हुआ 67-67। बहुत ही अच्छी बॉल इमरान खालिद की, जबरदस्त परफॉर्मेंस का मजाहिरा।
well played. आठवें ओवर का खेल जारी है. इसके साथ ही आठ ओवर का खेल मुकम्मल. स्कोर है 69 बगैर किसी नुकसान के. कप्तान एक मरतबा फिर आए हैं बॉलिंग के लिए. लंबी हेड लगाना चाहते थे. 6 रन के लिए खेल दिया. बहुत ही जाराना अंदाज अपना रखा है रौखयाम ने और मुबशर ने. तगड़ी शराकत दारी यहां पर दोनों ओपनर्स के दरमियान. जबरदस्त बैक टू बैक सिक्स. एक और छक्का. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा रौखयाम की तरफ से. जबरदस्त एक और छक्का. छक्कों की हैट्रिक रौखयाम की तरफ से. जारहाना अंदाज अपना रखा है रौखयाम ने. इसके साथ ही रौखयाम के 50 रन मुकम्मल हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 87. नंबर 4 लगातार 4 छक्के. इसे बोलते हैं T20 क्रिकेट. छक्कों और चौकों की 4th छक्का रौखयाम की तरफ से. छक्कों की बारिश यहां पर खेबाने अमीन क्रिकेट ग्राउंड लाहौर में. रौखयाम ने जारहाना अंदाज अपना रखा है. बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए. वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से.
कैच होने का खतरा है और जबरदस्त कैच लिया नौजवान बासत ने। रन बनाकर रोक है वापस पवेलियन जाते हुए, तो पहला नुकसान विजडम की टीम को। जी हमें कमेंट्री बॉक्स में एक मरतबा फिर हमारे प्यारे मोहब्बत याफ्ता सर भी कह लें और सीनियर दोस्त भी कह सकते हैं प्रोफेसर अमर इस्माइल जी सर आए कमेंट्री बॉक्स में। बहुत शुक्रिया इमरान, और आते ही एक विकेट भी गिराया है खयाब अली अमीन की टीम ने, तो ये मुबारक बात भी है। ऐसा ही है क्योंकि स्कोर काफ़ी तेज़ चल रहा था, दूर से जैसे आता हुआ देख रहा था, साथ साथ में कमेंट्री में ऑन भी था। तो इस तरह जो पहला कौन सा विकेट है जी, खैर से दूसरा विकेट जी 96 for 2 इन 9.2 ओवर, यासर अजमल ने आउट किया जी कॉट बिहाइंड। तो इस तरह ये है, लेकिन थोड़ा सा इमरान मैं ये देख रहा हूँ मौसम, क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ खैर वो जो है वहाँ पर तो बारिश हो रही है रास्ते में, मुझे ऐसे लगा कि कहीं मैच बंद ना हो तो मैं तजबजब के शिकार के जरिए ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन यह कि अंपायर्स को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या गेंद नजर आ रहा है कैसा है, और सेकंड इनिंग में तो खास तौर पर डक एंड लुइस जो मेथड है उसको भी अप्लाई किया जा सकता है, विच विल गो इन द बेनिफिट ऑफ खयाबान अमीन। बहरहाल हमारे दोस्त दोनों अंपायर अंदर मौजूद है। अगले ओवर अगला बॉल जी यासर अजमल, अच्छा गेंद था
जब तक मिडॉन की तरफ खेले, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ के हुआ 97 और ये 97 रन पर दो विकेट, अभी तक 10 की एवरेज है। लेकिन जैसे इमरान हम देख रहे थे कि कल जो है वो 12 की एवरेज चेज हुई और खयाबान अमीन में, या सर अच्छा गेंद फिर बॉलर बैक खेला या सर खुद फील्ड किया, तो 11-12 रन की एवरेज, क्योंकि दीज आर द बैटिंग ट्रैक्स जिन्हें हम कहते हैं बैटिंग पैराडाइज है, इनके लिए स्कोर जो है आसान है और बड़ी अच्छी तगड़ी जो है वो टीम है खयाबान अमीन की बैटिंग साइड। अगला गेंद कट किया, गेंद पॉइंट और थर्ड मैन के दरमियान से और अपील, लेकिन अंपायर ने रद्द की या सर अजमल भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये 10-12 रन की एवरेज टारगेट और अचीवेबल है। बहरहाल देखना यह है कि दोनों टीमें जो अच्छा खेलेंगी वही जो है वो जीत की तरफ जाएं, क्योंकि यासर अजमल और इस मरतबा मिड विकेट की तरफ खेला, फील्ड मौजूद है, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ के 99-10 ओवर पर। तो देखिए फिर ये तो एवरेज 9-10 से तो कम है, दिस इज गुड अचीवमेंट। और मैं जिस तरह बता रहा था कि बैटिंग ट्रैक्स है और हमेशा टीमों की जो है ना स्ट्रेंथ होती है, तो जिस तरह खयाबान अमीन की टीम पीछे मैच खेलती आ रही है, बैटिंग इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है बनिस्बत बॉलिंग के। बहरहाल अभी तक तो दोनों एतबार से असगर अली दोबारा इधर से ओवर करेंगे जी हमारे जो पवेलियन एंड है सिटी एंड की जानिब से, जिसे हम स्कीम एंड भी कहते हैं, क्योंकि खयाबान अमीन रेजिडेंशियल जो एक साहिर एसोसिएट का बड़ा ही शानदार जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो हमारे सामने है बाएं तरफ, और ये साहिर एसोसिएट का ही स्टेडियम है खयाबान अमीन क्रिकेट स्टेडियम, जिसको रंग भर दिया है असगर अली ने और इसकी काविश की हुई है साहिर एसोसिएट के हमारे बड़े प्यारे दोस्त साहिर रशीद साहब ने। नाइन असगर अली, अच्छा गेंद, बड़ी अच्छी फील्डिंग खुद ही पर। कल ये बात हो रही थी इमरान के असगर जो है इज अबाउट 30 और 31, और मैंने देखा इसका बड़ा ऑर्थोडॉक्स गेंद गिरता है, तो अभी हम कल मजाकन कह रहे थे कि असगर भाई आप किसी PSL में भी आए। असगर अली कट हुआ, फील्डर मौजूद है, किसी ने ये देखिए आप, हालांकि असगर जो है माशाल्लाह ऑनर किसी सूरत है इनकी यहाँ इस ग्राउंड की, लेकिन क्रिकेट से इतने डेडिकेट है और डिटरमाइंड है, फुल क्रिकेट खेलते हैं, मैंने इनको प्रैक्टिस भी। और ऊंचा शॉट और इस मरतबा गेंद बाउंड्री लाइन बाहर चली गई, छक्का, स्कोर बढ़ के वो 105 जी। तो ये टीम लीडर, टीम कोऑर्डिनेशन अली असगर और असगर अली की जो है वो बड़ी बेहतरीन है। पर अभी तक जो इस बैटिंग साइड को विजडम स्राइमिक्स की टीम जी, तो उसको अभी तक महदूद किया। अगला गेंद और इस मरतबा फिर देखना पड़ेगा कि फील्डर है, एक और रन का इजाफा, तो वही जो 9-10 से कम की एवरेज चल रही है उसको मेंटेन किया है, और अगर एक आधा विकेट और लेते हैं यहां पर तो प्रेशर ऑब्वियसली बैटिंग साइड पे जाएगा। ऊंचा शॉट और एक और छक्का, मदद चाहते हैं जी, कैच आउट हो गए जी, और इस तरह वही बात जो हम बात कर रहे थे, अवैस ने कैच किया है हमारा कैमरा स्क्रीन, क्योंकि वहां तक जरा पहुंचने में हमारी निगाह और कैमरे में फर्क है, तो ये बड़ा अच्छा अंदाज अली असगर का, जिसको हम कह रहे थे ये बड़ा डिटरमाइंड क्रिकेटर है। तो अब देखिए वो उस विकेट भी जो है कम बैक कैसा किया है कि विकेट गिराया, तो इस तरह 106, तो उस तरह देखिए आहिस्ता आहिस्ता इमरान एवरेज नीचे आ रही है, कैसे कहेंगे आप जी? बिल्कुल, पहले तो जो पहले 7-8 ओवर थे तो एवरेज इनकी 12 से ऊपर थी, लेकिन अभी जैसे ही आपके कदम कमेंट्री बॉक्स में आए हैं और साथ ही साहिर एसोसिएट की टीम में कम बैक कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी, बस ऐसा ही है। मैं इसके बारे में बताता चलूं कि ये खयाबान अमीन जो है ये मेरे कदम किस तरह मुबारक मैं भी समझता हूँ, लोग भी समझते हैं। यहाँ जब ये 2008 में ये साहिर एसोसिएट का प्रोजेक्ट साहिर भाई ने स्टार्ट किया था तो लोग कम इस तरफ मतवज्जे थे, तो एक घर जो सबसे पहले खयाबान अमीन में आबाद हुआ वो 92E था, और खुदा के फजल से मैंने इस घर को आबाद किया और इस स्कीम को, और मेरे नाम का मतलब भी आमिर है जी आबाद करने वाला। तो मुझे बड़ा फख्र है कि मैं पहला घर आया
और यानी उस वक्त पोजेशन भी नहीं मिला था, तो साहिर भाई से मैंने कहा जी मैं आना चाहता हूँ। फिर यके बाद दीगरे सुबह दो ट्रक आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, और फिर 2008 से लेके 2010 तक जी अब माशाल्लाह यहाँ तादाद ही कोई 3.5 लाख लोग हैं अब तो, पहले तो लोग नहीं दिखते थे अली असगर। और एक और ऊंचा शॉट इस दफा भी वही लग रहा है जी, 4 रन हुए जी, कैच हो सकता था और अगर ये कैच हो जाता तो इस तरह जो है वो विकेट गिरना चौथा हो जाता और बड़ा कम बैक होता था। ज्यादा खुश नहीं है अली असगर इस फील्डिंग पर, तो बहरहाल ये विकेट अगर मिल जाता तो ये बड़ा सेट बैक होता जो है वो विजडम स्रामिस के लिए। तो बहरहाल ये 2008 की कहानी है जी, मैंने इस स्कीम को खुदा के फजल से आबाद किया। और फिर अब तो पहले जब हम होते यहाँ आए थे तो एक घर था, मैं और एक उषा साहब, उसके बाद लोग नज़र नहीं आते, दूर से लोग देख के पूछते थे एक दूसरे को क्या हाल है जनाब, आइए चाय पिए। अब तो माशाल्लाह यहाँ स्कीम में इतनी तादाद है, इतने प्लाजे बन चुके हैं, मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के मुताबिक रेट्स की तरफ तो नहीं जाता कि घरों की और उनकी कीमतें कहाँ गईं, लेकिन लोग आबाद हैं। मुझे इसी से खुशी है इमरान, साहिर एसोसिएट के इस प्रोजेक्ट से। यासर अजमल अच्छा गेंद कट कर दिया इस मरतबा और गेंद हमारी तरफ आ रही है 4 रन के लिए। थोड़ा सा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर था, उसको बड़े दिलकश अंदाज से कट किया और 4 रन स्कोर बढ़ के हुआ 114 जी। 12वें ओवर का खेल स्टार्ट हुआ है। बहरहाल क्रिकेट का खेल है, जैसे कल भी कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यासर अजमल मिड ऑन की तरफ खेले, 1 रन दौड़ना चाहते हैं दूसरे के लिए, लेकिन एक परी इक्तफा किया तो क्रिकेट का रंग है, विकेट गिरे हैं तो यही टारगेट्स छोटे हो जाया करते हैं, या किसी एक बॉलर के लिए कोई कमबख्ती आए तो फिर टारगेट्स और बड़े। यासर अजमल अच्छा गेंद, दोनों तरफ से अब बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, जैसे कि मैंने देखा कि पहले 6 ओवर में कोई 82 के करीब स्कोर था, तो ये जब अब 11वां 12वां ओवर है और ये 9 के अंदर ही, और अगर विकेट और गिरता है, कट हुआ, फील्डर मौजूद है डीप पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा। तो इमरान हम ये देख रहे हैं कि जैसे 12 से एवरेज कम होकर 9 साढ़े 9 तक पहुंची है, और पिछले ओवर में जो कैच तकरीबन ड्रॉप हुआ, अच्छा गेंद रोक करके खेले और मुश्किल हो सकती है अगर दौड़ेंगे, और ये अंपायर को देखना पड़ेगा, बड़ी तेज अपील है, रेफर हुआ जी, हम देखते हैं क्या होता है। पायर को ये इस मरतबा गेंद जो हमें दिख रहा है, बड़ी खूबसूरत मंजर निगारी हो रही है, और इस मरतबा अंपायर का इशारा कि ये आउट है, और हमारे सॉफ्ट जो कैमरा है दिमाग का, उसके मुताबिक जो है वो आउट हुआ एम्पायर का इशारा। तो इस तरह इमरान बड़ा अच्छा कम बैक ख़याबान अमीन का, जो वो दाद आप मुझे दे रहे थे खुदा की तरफ से, खुदा का फजल है,
मैं तो खैर हमेशा ही सुभान अल्लाह व बिहम्दही सुभान अल अजीम पढ़ता हूँ। बहरहाल विकेट गिरने के बाद आपको पता है प्रेशर जाता है, बड़ा अच्छा थ्रो था, डायरेक्ट हिट लगी थी और ये काफी मार्जिन से विकेट गिरा है जी। काफी दूर थे हमारे जो कैमरे की आंख ने देखा, डिसीजंस जो है मैं यहाँ जो है वो खुर्रम और इरफान दोनों हमारे सब इंजीनियर्स यहाँ काम कर रहे हैं और खुर्रम तो मेरा शागिर्द भी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, अब वो मैस कम्युनिकेशन में ही मास्टर्स कर रहा है, एमबीए में भी कर रहा है जी, एमबीए किया हुआ उसने भी है। तो इस तरह ये बड़ा काम है और स्कोर 117, तीन विकेट गिरे हैं जी और 12वें ओवर का खेल जो है वो अभी जारी है, चार बॉल हो चुके हैं, पांचवा गेंद आएगा। तो ये बड़ा अच्छा काबिश है जी इस तरह जो है टेलीवाइज के लिए। मैं अभी उनको कह रहा था हमारे अंडर 16 की लीग है वहाँ भी उनको हमें लेके जाए, हमारे इमरान कमेंटेटर वो भी हमारे साथ होंगे, तो बड़ा अच्छा ये सिस्टम। यासर अजमल, अच्छा गेंद फिर मिडविकेट पर फील्डर के पास, लेकिन जब तक फील्ड हो और इस तरह 12 ओवर पर वही देखिए इमरान 117 है और विकेट भी चार गिरे हैं, एक आधा विकेट और गिरा इमरान तो देखना ये 150 से कम टारगेट होगा। बहरहाल बैटिंग है क्रिकेट है, क्या कहेंगे आप जी? बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, जब तक विकेट हो तो स्कोर होता है, जब विकेट गिर जाए तो ऑटोमेटिकली स्कोर भी कम होता है। तो ये जब आप मेरे पास नहीं आए थे उस वक्त सिर्फ छक्के और चौके में देख रहा था, तो जैसे ही आप कमेंट्री बॉक्स में आए अभी मैं ये देख रहा हूँ कि विकेटें गिर रही है। शुक्रिया इमरान, मेहरबानी, सब तारीफ अल्लाह की है। बहरहाल अली असगर दोबारा अपना ओवर स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छा गेंद रोक के खेले, तेजी करना पड़ेगी लेकिन फील्डर के आने तक एक और रन बना। तो इस तरह देखिए वही जो आप छक्के और चौकों की बात कर रहे थे, अब बैट्समैन भी टारगेटेड हो गया कि ये बॉलर दोनों अच्छे हैं, इनको सिंगल करके किसी और बॉलर को ढूंढा जाए। बारह यही क्रिकेट का खासा है कि जब इमरान खालिद जी, अली असगर लगा इमरान खालिद जो है वो बॉल करने आए हैं, लेग स्टंप के बाहर था बॉल, स्वीप किया गया, बाउंड्री की तरफ जा रहा है, एक और इसके बाद एक और रन्स, तो लेग बाई का इशारा होगा यकीनी तौर पर या शायद प्लेड हुआ है, तो दो रन्स। इमरान खालिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल चुके हैं, बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऊंचा शॉट मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से, देखना होगा कि फील्डर पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये चार रन्स हैं, तो इस तरह स्कोर बढ़ के हुआ 124। 13वें ओवर का खेल है और गेंद तीन हो चुके हैं इमरान खालिद को, अगर कम बैक करते हैं तो फिर इमरान वही जो है ना एवरेज जो है वो 10 रन से कम ईजी अचीवेबल होती है। बहरहाल दोनों टीमों के लिए यही मुकाबले की कड़ी और यही मुकाबले का इम्तिहान है। इमरान खालिद अच्छा खेले, वापस बॉलर की तरफ, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर 124 बदस्तूर, चार विकेट गिरवा चुकी है विजडम सिरेमिक्स की टीम। और बड़ी अच्छी फील्डिंग, वापस जाना चाहते थे, किसी रन का इजाफा हुआ नहीं, बड़ा अच्छा गेंद था, बड़ी अच्छी फील्डिंग अली असगर की तरफ से क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है तो उस कॉर्नर में गेंद जा रहा था, तो बड़ी अच्छी फील्डिंग। बहरहाल क्योंकि हम अगला गेंद, अच्छा गेंद बड़ा अंदर तेजी की तरफ आया, बैट पैड हुए, खतरनाक हो सकता था। तो इस तरह वही देखिए इमरान 13 ओवर में अगर 10 की एवरेज होती तो 130 होना था, लेकिन स्कोर 124, चार विकेट गिर चुके हैं और इस तरह 7 ओवर का मजीद खेल है और हमारे पास जो है अगर यही टारगेट 175-80 या इससे भी विकेट गिरा तो इससे कम भी होगा, 170-80 स्कोर जो है वो अचीवेबल है जी। इमरान जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपको पता होगा जो लास्ट क्वार्टर फाइनल था वो 200 के
कम से कम चेज किया टारगेट लॉन्ग 92 और लॉन्ग फंग की टीम ने वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके वो उसमें विन कर दिया है। तो यहाँ पर भी एवरेज जो है 160-170 है, तो उम्मीद तो है कि ये जिस तरह अभी कम बैक किया है साहिर एसोसिएट के बॉलर ने, तो देखते हैं वो यासर अजमल और उनके साथ जो इमरान खालिद हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, यही कम बैक टीमों को जितवाते हैं जी। अभी 4-5 ओवर में तो बिल्कुल किसी किस्म का हिट नहीं, अच्छा मिड विकेट की तरफ खेले, एक रन का इजाफा दूसरे के लिए भी जाना चाहते हैं, लेकिन यासर अजमल खुद ही अपनी बॉलिंग पर दौड़ के गए और फील्ड किया। तो ये टीमों के मुकाबले ना इमरान यही होते हैं, और यही ये अगले ये जो 14वां 15वां 16वां ये बड़े डिसाइसिव ओवर है, फैसला कुन है। अगर एक दो विकेट लेने में कामयाब हुए तो साहिर एसोसिएट की टीम, और इस मरतबा ऊंचा शॉट है और ये बहुत अच्छा कैच किया गया, बड़ा ही खूबसूरत कैच। आप इस चीज की अचीवमेंट मुझे देंगे, लेकिन मैं अल्लाह के नाम को बड़ा मानता हूं। देखिए 5वां विकेट गिरा जी मेरे आने पर, यहां साहिर एसोसिएट की टीम शेरों की तरह झपटी है, और खयाबान अमीन जो इसकी भी एक होम ग्राउंड और होम क्राउड जिसको कहेंगे, बड़े लोग देख रहे हैं, और ऐसी परफॉर्मेंस कम ही नजर आती है कि अगर 6 ओवर में 80 स्कोर हो और ये 14 ओवर में सिर्फ 35 रन बने और विकेट भी 5 लिए हैं, तो ये बड़ी खुश नसीबी और खुश आइन बात है खयाबान अमीन की टीम के लिए। जी इमरान जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जो पहले आगाज हुआ दोनों ओपनर्स मुबशर और उनके जो सार थे रोख्याम थे, उन्होंने इतना जारहाना अंदाज से अटैक किया था कि पहले 6 और 7 ओवरों में 80 रन क्रॉस कर गए थे, और अब देखिए कि सिर्फ 14वें ओवर का खेल चल रहा है और 125/5 125, आप देखें कि सिर्फ 30 से 35 रन दिए और 5 विकेट भी ले लिए, तो ये ज़बरदस्त कम्बिनेशन है इमरान खालिद का और यासर अजमल का, और साथ में ओवर भी ज़बरदस्त किए इन दोनों बॉलरों ने, और आप देखेंगे ये चौथा ओवर करवा रहे हैं यासर अजमल और उसने 24 रन दिए 2 विकेट लिए, तो बहुत कम बैक अच्छे किस्म का साहिर एसोसिएट के बॉलर की तरफ से। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है, मैं यही बता रहा था कि क्रिकेट का खेल जो है क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। ये 5 विकेट गिरने का मकसद है कि अब टेल टीम जो है वो अंदर आ चुकी है। मैं मानता हूँ बहुत सी टीमें ऐसी हैं जिनमें 8-8 और 9 नंबर के ऑलराउंडर्स भी जो है वो टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ 5 विकेट गिरने के बाद 7वां खिलाड़ी जो है वो आया है खेलने के लिए। तो इस तरह 125 पर 5 विकेट गिरे जी, 14वें ओवर का खेल अभी जारी है। यासर अजमल लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को राउंड द विकेट गेंद करेंगे। यासर अजमल आए और खतरनाक अंदाज से खेले थे, ये वो प्रेशर है इमरान जिसकी मैं बात कर रहा था, बोल्ड होते होते बचे हैं। तो इस तरह ये वो प्रेशर अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विजडम स्राइमस की टीम पर नजर आ रहा है, और मैच में वो कम बैक जो नजर आ रहा है फील्डर्स का, कितना शानदार कैच किया पिछले ओवर में खिलाड़ी ने। तो यही मुकाबले को देखने के लिए दुनिया शायकीन होती है। यासर अजमल और एक और अच्छा ट्राई, बड़ी अच्छी फील्डिंग, बड़ी अच्छी बॉलिंग, ये है मुझे टीम का खासा इस तरह लगना शुरू हो गया हुआ है। ये जो है वो टीम जो है वो कम बैक ऐसे कर गई है कि वह झपट रही है बॉल पर, कितना दूर था लेकिन खालिद ने किस खूबसूरत अंदाज से उसको ट्राई किया। यासर मिड विकेट की तरफ खेले, फील्डर मौजूद है, इस तरह 14 ओवर के इख्तिताम पर 128 रन, और अब आप देख लीजिएगा कि एवरेज ऑटोमेटिकली 9 पर आ चुकी है जी, कहीं 12-13 की एवरेज थी अब 9 पर आ चुकी है, और इसके साथ दो चीजें हमें देखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक विकेट भी 5 लिए इस और ओवर भी 8 और 6 14 8 ओवर में सिर्फ 34 तकरीबन रन बने हैं कि 32 4 की औसत से, और विकेट भी 5 लिए, तो इस तरह कमबैक है। यहाँ आवाम जो है खयाबान अमीन की आवाम जो देख रही है अपने सारे एसोसिएट की टीम को, वो चाहती है कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो, और ये आज जो है वो दूसरा क्वार्टर फाइनल है, तो पहले आगे ही जो है लिंग फोंग और दूसरी आज सुबह आर एन सी ए
एन की टीम जीती है और अब यह मुकाबला कड़ा साथ शामिल हुआ हुआ है। बॉलिंग में तब्दीली हो गई है जी, इमरान रंधावा जी आएंगे गेंद करने के लिए। अच्छा गेंद था, रोक करके खेले। इमरान रंधावा जो है जी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर पवेलियन एंड की जानिब से, और बड़ा अच्छा गेंद बीट कर दिया, बड़ा अच्छा गेंद था, ऑफ स्टंप और मिडल ऑफ स्टंप पर गिरा, हल्का सा हवा के साथ बाहर निकला, बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आया, गेंद विकेट कीपर के पास, और अगर ये इस तरह अगर विकेट गिर जाता तो फिर देखिए विकेट नंबर 6 होता और कितना प्रेशर जो है वो विजडम सिरामिक्स पर अभी भी है, क्योंकि इन 8 ओवर में सिर्फ 30-32 रन बना के 5 विकेट भी खो चुकी है, और जब टीम के 5 विकेट गिरते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है जो है वो डग आउट में। इमरान रंधावा और इस पर तबाह आउट, वही गेंद बाहर निकला और कॉट में आइन, बड़ा अच्छा कैच किया विकेट कीपर की तरफ से। ये है जी वो सिस्टम, 6 विकेट मेरे हाथे गिरे हैं, 6 के 6 जो है वो मैं इमरान से जबरदस्ती कमेंट्री कर रहा हूं लेकर के, 6 के 6 विकेट मेरे आते ही गिरे, तो इस तरह स्कोर वही 128 इमरान। अब तो मुझे वही जो हमारा अप्रोक्सीमेट टारगेट है वो 160, वो भी अगर कोई अगर ये खेल गए कोई बैट्समैन ऐसा, नहीं तो उससे भी कम मुझे नजर आता है। बहरहाल क्योंकि क्रिकेट का खेल है, 6 विकेट 1.14 ओवर, और देखिए ना वही इमरान जो बात हम कर रहे थे कि फिर अब टेल शुरू हो गई। जी जी बिल्कुल, और इस वक्त आप ग्राउंड में देख रहे हैं मौसम की भी सूरत हाल थोड़ी सी तब्दीली है, धूप नहीं आज है, अभी वो बादल छाए हुए हैं, मे भी थोड़ी देर तक शायद बैड लाइट लाइट्स का कोई इंतज़ाम हो और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो ज़बरदस्त कमबैक किया है सारे स्टूडेंट के, कप्तान को क्रेडिट जाता है कि उसने कमबैक किया है, और उसमें आपका भी अहम करदार है, तो कमेंट्री बॉक्स में तो ये चलता रहता है, ताकि जब मैं कमेंट्री पहले कर रहा था तो तब छक्के और चौके लग रहे थे, आप आए तो वो विकेट गिर रही है, तो ये सिस्टम चलता रहता है। तुम्हारी शादी हुई है अच्छा जी, अपकमिंग है, चलो बस फिर बीवी की बद्दुआ से बचा करो, विकेटें मिलना शुरू होती है। मैं बीवी को सुबह हर चीज घर में बच्चों को देकर आया था, तो इस तरह जो ऐसा ही है, 6 विकेटें हैं। ये हमारे रमीज राजा और इमरान रंधावा, बाउंसर बड़ा अच्छा तेज बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है, थोड़ा अप था, अदरवाइज 1 अप है। आज वो जो अंदाज जो है वो रमीज राजा और वो टोनी साथ करते हैं वही अंदाज अपनाया हुआ है, हम ज़ाती ज़िंदगी भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भारत सायर एसोसिएट की टीम के बड़ी अच्छी काबिश है। और जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो दो हमारे सब इंजीनियर्स इरफान और खुर्रम, ये इतना अच्छा सिस्टम मैंने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा, PCB या कहीं बोर्ड इधर उधर तो ऐसा देखा। इमरान रंधावा स्लो बॉल था, पॉइंट की तरफ खेले, तेजी करना होगी, अच्छा थ्रो था असगर अली की तरफ से, लेकिन 1 रन का फिर भी इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ गया 130। तो इस तरह वही जो है अब तकरीबन 8.86 की रन रेट एवरेज आ गई है जी, यह वो प्रेशर जी, तो दिस रेट वो वही वो 170 65-62 का रन देता, जो कि माशाल्लाह काफी अच्छा टारगेट होगा चीज करने के लिए। बाकी आगे क्रिकेट है, देखते हैं हम विजडम सिरामिक्स की टीम क्या बॉलिंग स्ट्रेंथ लेके आई है। इमरान रंधावा और इस पर तबाह बोल्ड होते हुए बचे, अच्छा गेंद अंदर की जानिब आया और इस तरह आखिरी बॉल जी 130 रन्स, आखिरी बॉल है 15वें ओवर का, तो इस तरह देखिएगा अगर उस 10 के एतबार से होता तो 152 पर जो 22-25 रन अभी पीछे आ चुके हैं, और उसके साथ साथ जो अहम तरीन क्रिकेट का वो विजन है वो ये है कि विकेट भी 6 गवा लिए और ओवर भी तकरीबन 10 गुजर चुके हैं जी। 54 रन पर पहली विकेट गिरी थी, 94 पर जी माता चाहता हूं,
मिड विकेट पर खेले, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं जब तक उसको फील्ड करें, दो मजीद रन बने 132 जी 15 ओवर के इख्तिताम पर, और विकेट 6 गवा चुकी है विजडम सिरेमिक्स की टीम। और क्योंकि इमरान आप पहले यहां कमेंट्री करते रहेंगे, विजडम की बॉलिंग साइड कैसी है, इनमें कोई नामवर खिलाड़ी क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का दिखता नहीं, जैसे कल एक बहुत बड़ी टीम जो है वो हारी थी जो है लुंग फोंग रेस्टोरेंट से, बारह उन्होंने बड़ी टीम बनाई हुई थी जो है वो क्वार्टर फाइनल में, लेकिन स्पार्को पेंट्स की टीम में बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी, पाकिस्तान का एक रोशन सितारा बनने जा रहा है उस्मान फाहद, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, मैंने उसको दो तीन जगह हाईएस्ट स्कोरर भी देखा गया हर जगह, तो कल भी उसकी बड़ी शानदार इनिंग थी, लेकिन वो दूसरी इनिंग में बॉलिंग इस किस्म की हुई कि वो मैच ऊपर ही ख़त्म हो गया, तो इस लिहाज से बॉलिंग में फिर तब्दीली है जी। रियाजुल अमीन लेफ्ट आर्म स्पिनर जी, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर से टारगेटेड हुई हुई है टीम, जी रियाज आए हैं लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हेजिटेशन थी अंपायर का इशारा कि ऐसा है, उफ्ता रसूल और बिलाल अहमद खेल रहे हैं जी। अच्छा गेंद स्क्वायर लेग की तरफ खेले, दौड़ते हुए जा रहे हैं, 1 रन और एक ही रन पर इतफा करेंगे तो स्कोर बढ़ के हुआ 133 15.1 बॉल, 16वें ओवर का खेल और विकेट 6 गवाए हुए हैं। मैं इमरान जो विकेट गिरने की प्रेशर और स्ट्रेटजिक अप्रोच होती है आजकल के T20 फॉर्मेट में, मैं उस पर बड़ा ध्यान देता हूं, 6 विकेटें और अगर एक और अच्छा स्टोक, एक और रन का इजाफा, आजकल की क्रिकेट में जो है ना विकेट जो है वो बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है बैटिंग साइड के लिए, वो 20 ओवर में 11 विकेट गिराना मुश्किल होता है, लेकिन एवरेज एवरेज देखिए ना, हमारी भी 12 से एवरेज 8 इधर या 7-4 पर आ गई है। अच्छा गेंद रोक के खेले, 1 और रन्स का इजाफा, आज बड़ा ट्रैफिक था बंद, मैं जब वहां से चला हूं कलमा चौक से, तो अच्छा गेंद मिड विकेट पर खेले, 1 और रन इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ के हुआ 136। देखिए इस ओवर में किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं लगी, बड़ी अच्छी खींच करके, जैसे क्रिकेट की जुबान में बोलते हैं खींच खींच के जो वो गेंद किए जा रहे हैं। रियाज अच्छा गेंद था कवर के लिए, 1 और रन का इजाफा, तो देखिए सिंगल्स पर वो इसलिए कि कोई ना कोई टेल एंडेड बैट्समैन है जो 137 16 ओवर इस तरह रियाज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और इस पर था अपील और आउट, बड़ा क्रॉस खेले, गेंद ऑफ स्टंप पर था और उसको स्वीप खेलना चाहते थे, क्रॉस है और अंपायर ज्यादातर क्रॉस हिट को पसंद करते नहीं है, और बड़ा प्लम आउट था, तो इस तरह 7वां विकेट भी जी विजडम सिरेमिक्स का गिरा इमरान, वही मेरे आने पर विकेटों की बारिश का एहतमाम जी। जी बिल्कुल, आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपके आने के साथ विकेटों की बारिश, जब मैं बैठा था उस वक्त छक्कों की बारिश हो रही थी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अली असगर जो कि कप्तान थे उसको 1 ओवर में 4 छक्के लगातार रसीद किए थे मुबशर ने, तो ज़बरदस्त आगाज किया था ओपनर स्पेयर ने, तो आप जैसे ही आए हैं वो रंग ही बदल गया, वो मौसम ही बदल गया, और अभी भी देखिएगा 137/7, तो ये क्रिकेट है इसमें कुछ भी कह सकते हैं। जब मैं देख रहा था कमेंट्री कर रहा था, मैं कह रहा था शायद ये जो टारगेट है वो 200 से अप होगा, तो अभी मुझे लग रहा है ये 150
अराउंड 160 के ही होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इमरान, यही वो जो हम पहले से बात कर रहे थे। अब देखिए, 7 विकेट गिरे तो इस वक्त से 9वें नंबर का बैट्समैन जो है वो विच बीच में है, और इस तरह यानी 9th किसी भी टीम के लिए ऑलराउंडरशिप नहीं होती। 9th नंबर का प्लेयर तो ऑब्वियसली डेल कहलाता है, और बड़ी अच्छी बॉलिंग क्योंकि दोनों तरफ से हो रही है, इमरान रंधावा की भी और उस तरफ से रियाज ने बड़ा अच्छा ओवर किया है, तो देखना होगा कि अब मजीद कितने कम से 16 ओवर 137 रन बने हैं जी। इमरान रंधावा, अच्छा गेंद, पॉइंट पर खेले, जल्दी करना होगी, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होता तो ये एक और विकेट होती। बहरहाल स्कोर बढ़ के वो 138, 17वें ओवर का खेल जारी है जी। 17, 18 और 19 और 20, यानी तकरीबन 4 ओवर मजीद है। अगर किसी तरह भी जी, इमरान क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, 17वें ओवर का खेल जारी है, ये इमरान रंधावा है बॉलर, दफाई अंदाज से खेले बैट्समैन, टेल एंडर है, तो स्कोर अभी भी रुका है 138 पर। बहुत ही उम्दा कमबैक किया साहिर एसोसिएट की टीम ने, 94 पर पहला नुकसान उठाना पड़ा था विजडम की टीम को, और अब 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 138 पर, तो बहुत अलग किस्म का कमबैक किया। तो मैं कहूँगा यहाँ पर प्रोफेसर साहब के कदम जो है कमेंट्री बॉक्स में वो भारी पड़े हैं विजडम साइड पर। बहुत ही अच्छी बॉल सीधे बल्ले से खेले हैं एक रन के लिए, तो क्योंकि बारिश हो रही है विकेटों की तो कमेंट्री भी जारी रखेंगे प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया जी। और इमरान रंधावा, और ऐसा मुझे लग रहा है बड़े अच्छे गेंद कर रहा है, इन स्विंग जो है और हवा के विद द विंड जिसे हम कहते हैं साथ कर रहा है, तो एक आधा विकेट गिरा तो फिर वही बात होगी, ये 150 भी मुश्किल हो जाएगा, और ये 150 बड़ा अच्छा टारगेट है अचीव करने के लिए। बहरहाल क्योंकि क्रिकेट का हिस्सा है, हमें विजडम सैमिस की टीम के लिए भी अप्रिसिएशन रखनी चाहिए। इमरान रंधावा, और वही वो जिसको आप कहते थे एक ओवर भी, क्योंकि स्लॉग है आखिरी ओवर का, फास्ट बॉलर दिखता है लड़का जो है, वो बॉडी की वजह से उसने उठा करके खेला और ये छक्का, तो इस तरह स्कोर बढ़ गया 145। तो इस तरह ये 17वें ओवर में थोड़ा सा कमबैक किया है विजडम सिरेमिक्स की टीम ने, अकलमंदी यानी विजडम दिखाई भी है, लेकिन क्योंकि विकेट का खेल है, अगर कुछ बॉलर की तरफ से विकेट मिला तो फिर ये और मुश्किल रहेगा उनके लिए। बाउंसर था, अंपायर का इशारा लेग स्टंप की तरफ था, और यह वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ गया हुआ 146। अच्छा, बॉल लेग स्टंप पर था लेकिन उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से खेला एक और दूसरा रन्स, तो इस तरह इस ओवर में अभी तक 9 रन्स बन चुके हैं। इमरान रंधावा आखिरी बॉल करेंगे इस ओवर का, 11 रन्स बन चुके हैं जी। एक छक्का लगा था, इमरान रंधावा
और ये अच्छा बॉल था, थोड़ा फुल टॉस की सूरत में अख्तियार किया, किसी रन का इजाफा नहीं। जी इमरान, 17 ओवर 148 रन, क्या कहेंगे, 7 विकेट गिरे हैं जी। जी बिल्कुल, अभी कम बैक करना चाहिए, आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। तो पहले आप जीत रहे थे मुझसे, तो अभी मैं चाहूंगा कि मैं जीतूं लास्ट 3 ओवरों में, तो देखते हैं जी क्या होता है। 148 पर 7, तो बहुत ही उम्दा कम बैक किया है जी साहिर एसोसिएट की टीम ने। तो विजडम का आगाज अच्छा था, लेकिन जो नेक्स्ट 10 ओवर हुए हैं, 9 ओवर हुए हैं, ये बड़े बैड हुए हैं। तो देखते हैं जी, अभी 3 ओवर का खेल बाकी है। बॉलर आ चुके हैं एक मरतबा फिर रियाजुल अमीन, और सामना करेंगे अली रजा। रियाजुल अमीन सामना करेंगे अली रजा। बीट हुए, बहुत ही अच्छी बॉल रियाजुल अमीन की, लंबा छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉल, बैट एंड पैड, एक रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 149। हवा भी चल रही है, 18वें ओवर का खेल जारी है। आज अंपायरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं कैसर वहीद, और उनके साथ हैं इरफान दिलशाद, और सुबह से कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं खुरम, और अभी आए हैं मेरे साथ प्रोफेसर, जो कि लकी प्रोफेसर है। शुक्रिया इमरान, और वो अब देखो जब तुम कमेंट्री करना शुरू हुए तो फिर इस ओवर में भी 10 बन चुका है। बहरहाल, क्योंकि कैसर वहीद हमारे क्रिकेटर दोस्त हैं, फर्स्ट क्लास भी खेली है इन्होंने, और मेरे साथ जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एमए कॉलेज में थे। मैं कोई 30 साल पुरानी बात आपको इनकी शेयर करता चलूं कि एक दफ़ा ये एमए कॉलेज वर्सेस एफसी कॉलेज था, मैं एफसी कॉलेज की तरफ से था, तो मैंने इनको एक बाउंसर किया बड़ा तेज़, जो मैं अब यहाँ बताना नहीं चाहता। रियाजुल अमीन छक्का था जी पिछले बॉल पर, एक और अच्छा गेंद, लेकिन इस दफा कवर पे खेले, तेजी करना पड़ेगी और रन आउट का खदशा। देखिए मैंने कमेंट्री पकड़ी है तो फौरन रन आउट का चांस हुआ, तो मैंने इनको बड़ा तेज बाउंसर किया, तो मैंने जरा इसको जो बॉलरों का रवायती अंदाज होता है वो किया अगले गेंद पर, इसने मुझे फिर मैंने बाउंसर किया, उस वक्त बाउंसर अलाउ थे 6 किच से, मैंने इसने हुक किया और छक्का हो गया, और इस मरतबा फिर ऊंचा मिड विकेट पर खेले 1 रन और बड़ी तेजी से दौड़ के गए रियाजुल अमीन खुद अपनी बॉलिंग के लिए, तो एक ही रन बना, स्कोर 156, 17.5। बहरहाल अगले जो छक्का लगा उसके बाद मुझे भी गुस्सा आया, उससे तीसरा बॉल भी मैंने बाउंसर किया, उन्होंने ऊपर हुक किया, दस्तगीर बट एक और बड़े हमारे दोस्त हैं उन्होंने कैच कर लिया, और रियाजुल अमीन ऊंचा शॉट और फील्डर मौजूद है, और ये देख लीजिए इस बार फील्डर ने क्योंकि छोड़ा, मैंने जरूर आउट करवा दिया था, तो 157 18 ओवर। तो उस पर इमरान ये हुआ कि बड़ा अच्छा कैच दस्तगीर भट्ट ने किया, मैंने इसको आगे निकल के, क्योंकि जवानी थी, मैंने इसको आगे निकल के बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मैं भाग जाओ फला ये बात, क्योंकि ये एमए कॉलेज का कप्तान था, हमारे कप्तान अंपायर शोजब रजा जो तुम्हारे हैं वो थे। अब हुआ ये कि एमए कॉलेज के लड़के और एफसी कॉलेज के लड़के कम थे, एमए कॉलेज की टीम बड़ी थी, तो वो लड़के इकट्ठे हो गए कि जी बॉलर को पकड़ के मारना। अख्तर भट्ट साहब को अल्लाह मेहरबानी करे, मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, और हम भी, मैं भी, शोजब रजा भी, अंपायर अनीस थे, रिजवान थे, हम सारे एफसी कॉलेज भी बड़ी, खालिद मजीद, मुजाहिद जमशेद के भाई खालिद जमशेद, तो वो बहरहाल हम थोड़ा सा परेशान हुए, मुझे विकी कहते थे वो शोजब रजा, वो यार विकी तूने ऐसे गालियाँ निकाल दी, लेकिन वो ये आगे बहरहाल को बुरा भला कह दिया था, फिर क्योंकि कैसर से मेरी अच्छी दोस्ती थी, अभी भी बाहर आएंगे तो देखिएगा, फिर कैसर ने खुद ही लड़कों को कहा, बड़ा ये वाकया याद है, इमरान रंधावा और इस मरतबा स्टोक खेलना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट की तरफ गए, 1 रन बना, 158 19वें ओवर का खेल आगाज हुआ जी। तो बड़ा दिलचस्प है, उसके बाद खैर
क्रिकेट लाइफ से जो 20-22 साल के बाद, क्योंकि मैं मास्टर्स करने चला गया, यूनिवर्सिटीज चले गए, क्रिकेट ख़त्म, शादी वगैरह, और उसके बाद जब मेरे बेटे के मैच पे मुझे अंपायरी पे मिले, क्या सर वही 4 साल पहले, तो फिर वो पुरानी बातें याद हुई तो बड़ा दिलचस्प था। आज भी क्या सर वहीद को वही बात याद दिलाई जाएगी। इमरान रंधावा अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ के हुए 159.18.2। 19वें ओवर का खेल जारी है जी। इमरान रंधावा तो ये लाहौर की क्रिकेट का खासा है, क्रिकेटर सारे अब कुछ लोग इमरान रंधावा। एक रन और दूसरे के लिए तेजी करना पड़ेगी, लेकिन वो 2 रन मुकम्मल हुए, थोड़ा स्लो आए, तो इस तरह स्कोर बढ़ के 161। 19वें ओवर का खेल। तो ये जब हम हमारी अंडर 16 की और अंडर 19 की टीम्स थी, बड़े बड़े नाम मैं यहाँ जो लेना, ऐसा लगेगा कि मैं उनके लिए बड़ी नाम है। हाँ, वसीम अकरम थे हमारे साथ, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का मेरा और उसका कम्बिनेशन था। शकील खां थे, आमिर सुहेल थे, अकरम रजा, कामरान खान, रंधावा आए, गेंद की फील्ड हुए मिड विकेट पर, बस थे फील्डर, 1 रन का मजीद इजाफा। ये शाहिद अनवर थे, शाहिद सईद थे, ये हमारे अंडर से सुहेल खान, शकील खान, बड़ी क्रिकेट थी। कल जो आपके कोच आए थे जाहिद विकेट कीपर, वो थे हमारे विकेट कीपर। तो ये फिर उसके बाद से खुदा की तकसीम होती है, कुछ पाकिस्तान की तरफ से खेल गए और कुछ अंपायरी की तरफ आ गए, जैसे शोज़ब रज़ा और वगैरह, और कुछ हम जैसे कमेंटेटर बन गए। अगला गेंद बाउंसर था, बड़ा तेज बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। गेंद बहुत अच्छा तेज था इमरान रंधावा की तरफ से, लेकिन कुछ शोल्डर हाइट के हवाले से ऐसा दिखता है कि अंपायर का इशारा था, ये वाइड बॉल है। बहरहाल स्कोर 163। तो खुदा के फजल से अच्छी क्रिकेट खेली भी, देखी भी, और आज क्योंकि अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर मकसूद रजा जो लाहौर कलंदर के कोच हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बस वो अब कोच इसलिए कि उन्होंने MA नहीं किया, और मैं कमेंटेटर इसलिए हूँ कि मैंने MA उर्दू कर लिया। तो ये खुदा की तकसीम होती है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब अब भी हम ग्राउंडों में एक दूसरे से मिलते हैं तो पुरानी लैंग्वेज, पुरानी बात, वही तू तड़ाक से हम बात करते हैं, जैसे अभी कैसर वहीद से बेतकल्लफी होगी। इमरान रंधावा और ऊंचा शॉट, लेकिन फील्डर के थोड़ा आगे गिरा, 1 रन का इजाफा, 164। आखिरी गेंद है जी 19वें ओवर की। वही जी, मैं 70-72-75 तक जा रहा था, तो 9 की एवरेज तो खैर वैसे ही अचीवेबल है, विकेट ऐसी है। अब थोड़ा सा ओपनिंग टारगेट जो है वो ख्याबर अमीन को बेहतर करना पड़ेगा, और विजडम सिरेमिक्स अगर जीतना चाहती है तो उसके लिए अच्छी बॉलिंग अटैक होनी चाहिए उसके पास। बहरहाल क्रिकेट का खेल है, देखते हैं दोनों तरफ से क्या क्रिकेट पेश की जाती है। इमरान रंधावा आखिरी ओवर, आखिरी बॉल जी, अच्छा बॉल था, यॉर्कर था, तो इस तरह अब ये लास्ट ओवर है जी 164। और वो जो मैं 75-72 का कह रहा था, अगर कोई हिट भी होता है तो उतना ही टारगेट है जी। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है इमरान साहब कि विकेट्स गिरे हैं, अगर विकेट हाथ में होते, अब क्योंकि ड्रेसिंग रूम की तरफ जो बैट्समैन देखता है तो फला भी आउट हो गया, फला भी आउट हो गया, तो ऑब्वियसली प्रेशर लेता है। बहरहाल आखिरी ओवर का खेल है इमरान साहब जी। थैंक यू प्रोफेसर। तो 164/7 एंड ऑफ 19 ओवर, तो 164 रन हो चुके हैं विजडम साइड के, तो लास्ट 6 गेंदों का खेल बाकी है, देखते हैं कितने रन बनाते हैं इस ओवर में। तो प्रोफेसर साहब का अंदाज़ा है कि 175 या 176, तो देखते हैं 10 रन बनते हैं कि नहीं बनते। तो ये चेजेबल टारगेट है 175-176। तो बॉलर हैं इमरान खालिद जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं लास्ट ओवर में।
उठा है, नीचे है इमरान खालिद, और इसके साथ ही एक और नुकसान, एक सौ चौसठ पर आठ रन, आठ भी विकेट गिरी है और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है इमरान खालिद ने, अपनी बॉल पर शानदार कैच लिया है। तो इमरान खालिद बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए, इमरान खालिद ने अपने 3.1 ओवर में 17 रन दिए और एक विकेट हासिल की है। तो अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है, तो देखना होगा क्या करते हैं इमरान खालिद आखिरी 5 गेंदों में। तो अभी भी टेल एंडर है विकेट पर मौजूद, तो 5 गेंदों तो खेलनी होगी, तो अगर आउट कर दे तो फिर 170 से भी कम रहेगा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमरान खालिद बड़ा ज़बरदस्त आगाज किया था विजडम के ओपनर्स ने, 94 पर पहला नुकसान उठाना पड़ा था, तो आप देखिएगा कि 164 for 8, लंबा एट, बिल्कुल प्रोफेसर साहब की बात ठीक है कि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, और 6 रन हासिल किए, तो इस तरह 170 का जो ताकड़ा था वो मुकम्मल हुआ। अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं, तो 177-176 वाला जो टारगेट जेन में है वो हो सकता है। जी बिल्कुल, लगातार दूसरा छक्का, तो आखिरी ओवर में स्पिन बॉलर का यूटिलाइज करना कप्तान को महंगा पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इमरान खालिद सीजन्ड क्रिकेटर है, उनको चाहिए कि टेल एंडर है उसको जरा खींच के बॉल करें। बहरहाल अभी 2 गेंदों पर 2 छक्के तो लग गया, स्कोर वही 176 हुआ है इमरान खालिद। जी बिल्कुल, इस तरह 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 177। तो आखिरी 2 गेंदें बाकी है, प्रोफेसर साहब का अंदाजा 170 था, बिल्कुल 177। तो अभी 2 गेंदें हैं, देखते हैं इमरान खालिद क्या करते हैं, सामना करेंगे दिलशाद। खेल दिया है सीधा सीधे बल्ले के साथ 4 रन के लिए, तो 181 का अभी एक बॉल बाकी है, तो 181 रन हो चुके हैं, 9 की एवरेज चल रही है। लास्ट बॉल, वन एटी वन फोर एट, एंड ऑफ 20 ओवर्स, 182 रन का हतफ मिला है जी। वही इमरान, इस ओवर में अब अगर 17 रन ना बढ़े तो ऑब्वियसली ये स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली 160-162 था, लेकिन अभी भी खैर अचीवेबल टारगेट है। सिर्फ मौसम के हवाले से हम देखते हैं, जो हवा बड़ी तेज चल रही है जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए कुछ एज भी है, बेनिफिट भी है, लेकिन थोड़ा सा तेजी भी है। तो जैसे ही मैच की इनिंग का आगाज होगा मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, इरफान साहब अपना टास्क मुकम्मल कर लें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, साहिर एसोसिएट की जो है वो इनिंग्स का आगाज हुआ जाता है। 181 रन का टारगेट दिया है विजडम सिरेमिक्स ने और 182 रन बनाना होगे अगर साहिर एसोसिएट की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करना चाहती है। दोनों ओपनर 62 और इसके साथ हैं रफीक भट्ट जी, बोलिए जरा नाम, इखलाक भट्ट, लेफ्ट हैंडेड इखलाक भट्ट और राइट हैंडेड बासत जो है और बॉलिंग अब्दुल्ला इजाज करेंगे जी। अच्छा गेंद गली की तरफ फील्ड हुआ, किसी रन का इजाफा नहीं। हवा क्योंकि हमारे सामने से यानी पवेलियन की तरफ से जो है स्कीम एंड की तरफ जा रही है तो मीडियम पेसर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं अब्दुल इखलाक भट्ट जो हैं, तो देखते हैं कैसे बॉल करते हैं। पहला बॉल तो गली की तरफ गया था, शार्प गया था थोड़ा इखलाक भट्ट और इस मरतबा ऊंचा खेल दिया और आउट। पहला ही गेंद जिसको मिड विकेट पर खेलने की कोशिश करना चाहते थे, हवा के खिलाफ बॉल था ये, इसको पुल किया और इखलाक भट्ट आउट होकर पवेलियन में वापस। थोड़ी अकल क्रिकेट की ये इमरान आप देखते हैं कि करनी पड़ती है। अभी देखिए जैसे वो अगर उनकी टीम की वो विजडम नेस उन्होंने शो की है, जैसे नाम भी विजडम सिरेमिक्स है, हवा के तरफ से जिसे हम विद द विंड कहते हैं उस तरफ से बॉल किए हैं। थोड़ी देर पहले जब मैं ड्रेसिंग रूम्स की तरफ था तो यही बात वहाँ हो रही थी कि जिधर को हवा को उधर की तरफ शॉट्स के लिए, तो ये पहला ही बॉल उन्होंने पीछे किया हुआ था तो उन्होंने उठा के ऊंचा खेला मिड ऑन पर विकेट दे दिया। तो इस तरह जैसे पहले भी हम बता रहे थे बड़ी अच्छी हिकमत अमली जो है विजडम की तरफ से वाइजनेस दिखाई गई है, पहला विकेट भी ले लिया और इस तरह विकेट्स जो है पवेलियन में और डगआउट में प्रेशर्स क्रिएट करते हैं जिससे कि एवरेजेस ऊपर जाती हैं और मैच के लिए मुश्किलात पैदा होती रहती हैं। तो ये पहला ही नुकसान किसी रन्स के बगैर जो है साहिर एसोसिएट को उठाना पड़ा। अब वही अंदाज जी, 9 विकेट अभी और हैं और फिर रन्स भी 182 बनाने को, एक अच्छी बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी किसी एक खिलाड़ी को इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये एलिमिनेट सेक्शन है। यहाँ पर अगर क्वार्टर फाइनल अगर कोई टीम नहीं जीतती तो सेमीफाइनल के क्वालिफाई नहीं करती। बज़ाहिर पहले ओवर में विजडम की टीम का जो है पलड़ा भारी दिख रहा है, दूसरा बॉल था इसको रोक करके या कट बड़ा अच्छा लग सकता था, जो हमारी क्रिकेट ओपिनियन है उसको उठा करके मिड विकेट के बाहर से खेलना चाहते थे। हवा के अगेंस्ट बॉलर ऐसे हवा के बगैर भी नहीं हिट खाते इस तरह, तो हवा में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा गेंद इस दफा इसको स्क्वायर लेग की तरफ खेला और ये यकीनन 4 रन हो जाएंगे। ये है वो क्रिकेट जी, इसी किस्म का इसी अंदाज का बॉल था जिसको गलत अंदाज में खेले थे भट साहब। तो इमरान खालिद एक इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उनको मौका मिला है, मिलता रहा है, 2 साल वहाँ खेले हैं। तो अब अच्छा गेंद था, लेग स्टंप के बाहर था, उन्होंने पुल किया क्योंकि बाउंड्री 6 ओवर जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट है जिसे पावर प्ले हम कहते हैं, तो उसमें चली थी। इस तरह ये अब स्कोर हुआ 4 एक रन का। बहरहाल विकेट का जिस तरह मैंने बताया विकेट गिरने पर भी प्रेशर है, लेकिन अगर ओवर में 8-8, 10-10 रन बनते भी रहें तो ये भी प्रेशर जो है वो बॉलिंग साइड पर चला जा सकता है। बहरहाल देखते हैं, क्रिकेट का खेल है। अब्दुल्ला एजाज गेंद करेंगे जी इमरान खालिद को। अच्छा गेंद रोक के खेले, किसी रन का इजाफा नहीं। अब अब्दुल्ला एजाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे, पहले 4 बॉल राउंड द विकेट गेंद किए थे और अब ओवर द विकेट गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड इमरान खालिद को। और इस मरतबा दूसरा विकेट और बड़ा ही
ड्रामाई अंदाज का आगाज है खयाबान अमीन की क्रिकेट टीम की तरफ से। पहले ही ओवर में दो खिलाड़ी आउट हो गए, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इमरान खालिद और बट जो लड़का था इखलाक बट, दोनों खिलाड़ी लेफ्ट आर्म, और यह बड़ा अच्छा गेंद था बनिस्बत पिछले बॉल के। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर था, राइज होता हुआ बैट्समैन के करीब से गुजरा, इसे हल्का सा कट करना चाहते थे और थोड़ा सा एज लिया विकेट कीपर, बड़ा डाइविंग अंदाज में कैच किया, बड़ा दिलकश और खूबसूरत कैच। तो इस तरह चार के मजमूई स्कोर पर दो विकेट गिर चुके हैं खयाबान अमीन के। शकील अहमद अब गए हैं जी, नहीं शहजाद अहमद जी, ये बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ, पर मुझे जरा देखने में कमेंट्री की तरफ से दूर है, तो कोई नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आइंदा के लिए भी माजरा चाहता हूँ। शहजाद एक और बैट्समैन जी, ये भी बड़ा लोकल क्रिकेटर है और अच्छी इनिंग्स खेलता रहा है, दो चार इनिंग्स मैंने इसकी देखी हैं। तो अब अजान का वक्त आज
और खेल में दोबारा जिस तरह वापसी हुई है, अब वही जो एवरेज है वो मेंटेन है, लेकिन दो विकेट गिरे खयाबान अमीन के तो थोड़ा सा प्रेशर है। 29 रन बने हैं जी, और जो 9 की एवरेज है तकरीबन पूरी है, 3.3 बॉल हुए हैं, और अभी यानी 62 खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा शानदार छक्का मिड विकेट पर रसीद किया था 62 ने। और इस मरतबा गेंद कवर में थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, एक मजीद रन का इजाफा, स्कोर बढ़ के हुआ 30। एक और रन का इजाफा तो स्कोर बढ़ के हुआ 32-31। तो इस तरह तकरीबन 8.5 की एवरेज है, अगर इस तरह ही दो ओवर और मजीद इस तरह खेल गए तो अल्लाह के फजल के बाद ये ऐसा दिखता है कि खयाबान अमीन की टीम को जो है वो उस प्रेशर से निकल आएगी। और एक और अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट पर, जब तक फील्डर फील्ड करें, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ के हुआ 32 चार ओवर के इख्तिताम पर। पैंतीस रन बने हैं जी, चार ओवर का खेल है, तो इस तरह तकरीबन 9 रन की एवरेज चल भी रही है और रिक्वायर्ड भी तकरीबन इतनी ही है जी। तो बहरहाल इस तरह ये देख रहे हैं हम, जो दो विकेट गिरे थे काफ़ी हद तक उस विकेट्स का प्रेशर जो है कम हुआ है खयाबान अमीन की टीम की तरफ से, जो है बैटिंग कर रहे हैं 62 और इनके साथ बैटिंग कर रहे हैं शहजाद। तीसरा ओवर कर रहे हैं जी अब्दुल्ला इजाज। अब्दुल्ला इजाज बॉल करेंगे जी शहजाद को। अच्छा स्टॉक 4 रन्स, जिस तरह ही गेंद पॉइंट की जानिब गिरा और पॉइंट की जानिब 4 रन्स, बड़ा तेज और दिलकश स्टॉक शहजाद की तरफ से, तो स्कोर बढ़ के 39। पांचवें ओवर के खेल का आगाज हुआ चाहता है जी, और वो जो दो विकेट गिरने का प्रेशर था काफी हद तक कम हो चुका है। विजडम की टीम दोबारा जो है वो अपने अब्दुल्ला इजाज बॉल करेंगे। अब्दुल्ला इजाज, अच्छा गेंद था, स्लोअर वन किया, बीट हुए 62। शहजाद माजर चाहता हूं, ऊपर आके खेलना चाहते थे। तो इस तरह अगला गेंद वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, स्कोर बढ़ के हुआ 40। और अभी दो बॉल हुए हैं जी, अगर चार बॉलों पे मजीद 5 रन बनाते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो उसको हासिल कर लेगी खयाबान अमीन की टीम। और विजडम को अपनी बॉलिंग को देखना पड़ेगा कि विकेट तो जो पहले दो ओवर में लिए थे, लेकिन एवरेज जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट दिए जा रहे हैं। बहरहाल क्रिकेट का खेल है, चल रहा है आगे की तरफ। अब्दुल्ला इजाज अंपायर की तरफ देखना पड़ेगा, मिसिंग द लेग स्टंप था।
अंपायर का इशारा लेग बाई है, स्कोर बढ़ के वो 41। दो विकेट जो पहले ओवर में गिरे थे वही गिरे हैं, उसके बाद से बड़ी अच्छी बैटिंग। अब्दुल्ला एजाज अब्बासत खेलेंगे जी उन्हें। अब्दुल्ला एजाज चौथा गेंद करते हुए अपना पांचवें ओवर का। चार इशारिया चार और 41 रन बने हैं, दो विकेट गवाए हुए हैं खयाबानी अमीन की टीम ने और विजडम की टीम जो है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है जी, दूसरा क्वार्टर फाइनल ये हो रहा है सहर प्रीमियर लीग का, सहर एसोसिएट्स की तरफ से। बादल हर तरफ से उमंड के आ चुके हैं ग्राउंड पर, किसी भी वक्त जो है अच्छा गेंद जिसको रोककर खेलने पर मजबूर किया। किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर 41 बदस्तूर 4.5 ओवर। आखिरी बॉल करेंगे अपने तीसरे ओवर का अब्दुल्ला, 21 रन दिए हुए हैं अभी तक। और अंपायर का इशारा गई है वाइड बॉल है, स्कोर 42। आहिस्ता आहिस्ता ये क्वार्टर फाइनल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब्दुल्ला इजाज आखिरी बॉल पांचवें ओवर का, पैड पर लगा, अपील करना चाहते थे लेकिन नहीं। बहरहाल 42 रन पांच ओवर और दो विकेट। अब ये इस पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा जी और देखते हैं शहजाद और बासत किस अंदाज से खेलते हैं। पहले कभी आज से 3-1 साल पहले जब बासत की जो है कभी बैटिंग हमारे सामने आई तो बड़े जहराना अंदाज से खेलते थे। आज टीम को बड़ी जरूरत है बासित की बैटिंग की, ऐसा देखना ये होगा कि आया बासित किस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं। तीन रन पीछे हैं जी अभी तक अपने रिक्वायर्ड रन रेट पे, जो कि किसी भी वक्त जो है वो बराबर की जा सकती है। बहरहाल बॉलिंग में एक और तब्दीली जी, दिलशाद कंवल जी, बड़ा शायराना नाम है दिलशाद कंवल जो है वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखते हैं जी दिलशाद कंवल, कट किया, बड़ा खूबसूरत अंदाज का स्ट्रोक था, अंपायर का इशारा गए चार रन्स, पहला ही बॉल चार रन्स है तो स्कोर बढ़ के हुआ 46। छठे ओवर का यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर का खेल
दिलशाद खतरनाक अंदाज से खेलना चाहते थे, एक रन बना और फिर उसके बाद दौड़ते हुए जा रहे हैं दूसरे रन के लिए, लेकिन रोका उनको वापस बासत को, लिहाजा एक ही रन बना, स्कोर बढ़ के हुआ 47। पांचवें ओवर के दो बॉल, पांच छठे ओवर के दो बॉल भी हो चुके हैं 5.5, और ये बड़े खूबसूरत बात जी, थोड़ा सा बैट लाइट का आंसर था, लेकिन जनरेटर से लाइट जल चुकी है ताकि मैच में किसी किस्म की कोई ताखीर ना हो सके, और इस मरतबा बड़ी खूबसूरत फील्डिंग। और ये उठा करके खेल दिया 6 रन्स। जैसे ही गेंद पीछे गिरा, उठा करके उसको मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रन्स और स्कोर बढ़ के हुआ 53। तो पावर प्ले का अभी तक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है खयाबानी अमीन की साहिर एसोसिएट की टीम ने। इमरान साहब आ गए हमारे दोस्त हमारे साथ। इमरान भाई पहले दो जो विकेट गिरे थे उसके बाद से बड़ा अच्छा कम बैक किया है, खासतौर पर शहजाद ने बड़े अच्छी इनिंग्स खेली, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आगाज 53 for 2, सिक्स ओवर इन प्रोग्रेस, छठा ओवर चल रहा है और 53 for 2। तो देखते हैं बासत जो कि काफ़ी जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं वो विकेट पर मौजूद हैं। 182 रन्स का हदफ मिला है, लाइटें ऑन हो रही है। एक रन के लिए खेला है लेग साइड की तरफ, स्कोर बढ़ता हुआ 54। बहुत ही अच्छी बॉल, तो काफी मंजे हुए बैट्समैन हैं बासत और उनके साथ है शहजाद। इसके साथ ही छठे ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 54 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। 182 रन का हदफ मिला है, रन रेट रिक्वायर्ड 9.1, 9 की चल रही है और 9.1 की जरूरत है। तो देखना होगा क्या करते हैं साहिर एसोसिएट के बैट्समैन शहजाद जो कि नॉट आउट हैं 16 पर, बासत नॉट आउट हैं 28 पर। आप बॉलिंग के लिए आए हैं अली जूनियर, फोर फोर टू, बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया है इस सिस्टम को इरफान साहब ने, इरफान मंजूर साहब ने और उनके साथ खुरम, आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर साहब। आप देख रहे हैं अभी लाइटें चल रही हैं, डे नाइट मैच हो रहा है, तो देखते हैं। नो बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से और साथ में 4 रन्स भी मिले हैं, तो इस तरह 5 रन्स का और इजाफा हुआ बगैर कोई बॉल के, तो काफ़ी फायदा हुआ इस ओवर में। अभी पहला भी पहली बॉल ही थी, तो नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, तो स्कोर बढ़ता हुआ 61। साहिर प्रीमियर लीग का आज का चौथा क्वार्टर फाइनल, उठा दिया है इस मरतबा, कैच होने का खतरा है लेकिन यह फ्री हिट थी क्योंकि इस पर स्वाय रन आउट के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो जबरदस्त बैटिंग यहां पर बासत और शहजाद की, स्कोर बढ़ता हुआ 60।
सातवें ओवर का खेल जारी है बहुत ही अच्छी बॉल और उतना ही उम्दे अंदाज से खेला अच्छे अंदाज से खेला इसे लिटिल बैट्समैन बासित ने दो रन हासिल किए बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा आज के मैच के अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए कैसर वहीद और उनके साथ हैं इरफान दिलशाद एक मतलब फिर अली रजा जूनियर बॉलिंग करवाएंगे बासित को बहुत ही अच्छी बॉल उम्दा बॉल अंपायर का इशारा चार रन के लिए यॉर्क की थी लेकिन वेल प्लेड किया बासित ने और चार रन हासिल किए स्कोर बढ़ता हुआ 66-66 67 67-67 for 2 सातवें ओवर का खेल जारी है थर्डमंड की तरफ खेला है एक रन का और इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 68 सातवां चल रहा है बॉलर है जूनियर्स टॉप एच हुई चार रन के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा बासित की तरफ से लेट कट की थी और चार रन हासिल किए तो इस तरह स्कोर में इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 71 for 2 एंड ऑफ ओवर नंबर 7 72 for 2 जी प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे जी बिल्कुल बड़ी अच्छी वो जो विकेट के प्रेशर जिसकी हम बात करते थे तो वो विकेट का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया बल्कि बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि सात ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9.6 थी और अब 8.46 है और 10.29 की एवरेज से औस से स्कोर हो रहा है तो ये वो विकेट का प्रेशर नहीं है इसके बाद खुदा नखास्ता अगर विकेट गिरता भी है तो दो तीन बैट्समैन बड़े अच्छे बैटिंग में यासर अजमल जिनमें शामिल हैं बहरहाल अभी क्योंकि क्रिकेट का खेल है और इंतजामिया की इतनी खुशाइंद बात है कि अगर थोड़ा सा बादल में सूरज गया तो कुमकुमे जो हैं वो रोशन हो चुके हैं और किसी किस्म के बैड लाइट के कोई तसव्वुर नहीं है फहद मुनीर आए हैं जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुनीर शाह उनके बरखुरदार हैं ये अभी अभी पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी खेल के आए हैं जैसे ही गेंद किया लेग स्टंप के बाहर था
एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ गया 73। और कट किया पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद मगर एक रन का इजाफा हो जाएगा, स्कोर बढ़ के हुआ 75। आठवें ओवर का खेल जो है वो जारी है। और बासत ने जवाब उठा करके खेला, फील्डर आ रहे हैं, देखना होगा, और ये आउट। और इस तरह विकेट गिरा है, विकेट नंबर 3। तो तीसरा खयाबन अमीन सार एसोसिएट का खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस चला गया है। जी इमरान जी, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगा बासत की सूरत में साहिर एसोसिएट की टीम को। तो 74-3 नाउ, तो 182 रन का हदफ मिला है। आठवें ओवर का खेल जारी है, बहुत ही अहम विकेट थी बासत की, जो कर 36 रन बनाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। आज 181 रन बनाए थे विजडम की टीम ने, और 182 रन का हदफ मिला है। नए आने वाले बैट्समैन है आदिल अकरम। बॉलर है फहद मुनीर। सामना करेंगे शहजाद। कट किया है पॉइंट की तरफ 4 रन के लिए, बेहतरीन कट शहजाद अहमद का। तो इस तरह चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 78, 78-3। आठवें ओवर का खेल जारी है, बहुत ही अच्छी बॉल, दफाई अंदाज से खेले एक रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 79। इसके साथ ही आठवें ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 79-3। तो अभी भी 103 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 12 ओवर का खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है। आज का चौथा क्वार्टर फाइनल, साहिर एसोसिएट वाज विजडम, एक सौ 82 रन का हदफ मिला है। अब बॉलिंग के लिए आए हैं अली रजा। बहुत ही अच्छी बॉल अली रजा की, उम्दा बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग का मजा अली रजा की तरफ से।
नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। स्कोर बढ़ता हुआ 80, तो फ्री हिट का सामना करना होगा अगली बॉल पर शहजाद को। इस वक्त लाइट्स ऑन हो चुकी है खिबाने अमीन क्रिकेट ग्राउंड में, तो डे नाइट की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये क्वार्टर फाइनल। फ्री हिट को खेल दिया है सीधे बल्ले के साथ स्टेट की तरफ, सिर्फ एक रन तक ही महदूद रखा शहजाद को। 81 for 3, नौवें ओवर का खेल जारी है। 81 for 3, नाइन्थ ओवर इन प्रोग्रेस। दफाई अंदाज से खेले बैट्समैन, बहुत ही उम्दा बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। अली रजा सामना करेंगे आदिल। बहुत ही अच्छी बॉल, नौवें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 81-81। अली रजा जूनियर बहुत ही अच्छी बॉल, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा अली रजा जूनियर की तरफ से, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, एक्सलेंट डिलीवरी राइट आर्म मीडियम फास्ट अली रजा। एटी वन फॉर 3, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं अली रजा। बहुत ही अच्छी बॉल, उम्दा बॉलिंग, इसके साथ ही 9 ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 81, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर साहिर एसोसिएट की टीम। आप इस मैच को बराए रास्त देख सकते हैं YouTube चैनल साहिर एसोसिएट से लाइव। आज का दूसरा मैच, ओवरऑल चौथा क्वार्टर फाइनल, साहिर एसोसिएट वर्सेस विजडम। सराइमेक्स वेल हिट, कैच होने का खतरा है और इस तरह शानदार कह लिया तो शहजाद की इनिंग्स का भी खात्मा हुआ, तो चौथा नुकसान साहिर एसोसिएट की टीम को। 81 for 4,
81 for 4. नए आने वाले बैट्समैन हैं इमरान रंधावा 81 for 4. साहिर एसोसिएट की टीम चौथा नुकसान उठाना पड़ा. दसवें ओवर का खेल जारी है 81 for 4. टेंथ ओवर इन प्रोग्रेस. आज बहुत ही उम्दा बैटिंग की थी विजडम की टीम ने. 182 रन्स का हदफ दिया है साहिर एसोसिएट की टीम को. आज के मैच के अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम देते हुए कैसर वहीद और उनके साथ हैं इरफान दिलशाद. वेल बॉल फाद मुनीर एंड वेल प्लेड इमरान रंधावा. बहुत ही अच्छी बॉल उम्दा बॉलिंग. बैट्समैन को बांध रखा है फाद मुनीर ने. बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाते हुए फाद मुनीर. जबरदस्त बॉल फहद की. दसवें ओवर का खेल जारी है. स्वीप किया है लेग साइड की तरफ. सिर्फ एक रन ही बन सकेगा. स्कोर बढ़ता हुआ 84 एंड ऑफ ओवर नंबर 10. 10 ओवर का खात्मा. स्कोर है 84 चार खिलाड़ियों के नुकसान पर साहिर एसोसिएट की टीम. जबरदस्त अंदाज से खेले हैं सीधे बल्ले से एक रन के लिए. फोर बहुत ही अच्छी बॉल उम्दा बॉलिंग. बीट हुए मुकम्मल तौर पर बैट्समैन. ग्यारहवें ओवर का खेल जारी है. बांध रखा है दोनों एंड से बॉलरों ने बैट्समैनों को. रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 10. अली रजा जूनियर एक मरतबा फिर. बहुत ही अच्छी बॉल और बहुत ही अच्छे अंदाज से खेले सीधे बल्ले के साथ एक रन के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 86-86.
دوسرے رنز کی کال کی اور دو رنز مکمل کر لیے. سکور بڑھتا ہوا 88-88. Well ball and well played. گیارہویں اوور کا کھیل جاری ہے. اسکور ہے 88. بہت ہی اچھی بال, عمدہ بالنگ. فور اینڈ آف اوور نمبر 11. Well played. Only one. بہت ہی اچھی بال, بولڈ کر دیا. تو پانچواں نقصان ساہر ایسوسی ایٹ کی ٹیم کا. نئے آنے والے بیٹسمین ہے اویس ڈوگر. بہت ہی اچھی بال فہد منیر کی. کٹ کیا
ایک رن کا اور اضافہ. سکور بڑھتا ہوا 92. دفاعی انداز سے کھیلے. اس کے ساتھ ہی 12 اوور کا کھیل مکمل. سکور ہے 92, 5 کھلاڑی کے نقصان پر. بولر ہے الماس. بہت ہی اچھی بال الماس کی. ٹاپ ایچ اور 4 رنز کے لیے کھیل دیا ہے. سکور بڑھتا ہوا 98-98. تیرہویں اوور کا کھیل جاری ہے. سکور ہے 98, 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر. کیچ ہونے کا خطرہ ہے. امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا 4 رنز کے لیے. بہت ہی عمدہ ہیڈ لگائی اویس نے. تو سکور بڑھتا ہوا 102. اس کے ساتھ ہی سینچری اب مکمل ہوئی ساہر ایسوسی ایٹ کی ٹیم کی. 102, 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر. رن آؤٹ کرنا چاہتے تھے, مس ہوئے.
कट किया। इसके साथ ही 13 ओवर मुकम्मल स्कोर 102 पांच खिलाड़ी को नुकसान पर। खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है। दफाई अंदाज से खेले बैट्समैन। बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा फाद मुनीर की तरफ से। स्कोर अभी भी 103 पर। एक रन का और इजाफा। चौदहवें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 105। कट किया। चार रन के लिए तो स्कोर बढ़ता हुआ 109। इसके साथ ही 14 ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 109 पांच खिलाड़ियों को नुकसान पर। तो अब आएंगे कमेंट्री करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर आमिर इस्माइल। जी सर आए। शुक्रिया इमरान, बड़ा दिलचस्प मैच हो गया है जी, बड़ी शानदार मौसम क्रिकेट हर लिहाज से। और 15 ओवर 14 ओवर है, अब 6 ओवर में तकरीबन रिक्वायर्ड रन रेट जो है जी 73 मजीद रन दरकार है। और अभी जो जा रहा है वो 7.79 इमरान रंधावा और अवैस डोगर दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो तकरीबन 12 रन की एवरेज है। और अगर थोड़ा सा ध्यान करके खेलें, हवा क्योंकि बड़ी तेज चल रही है हमारे बाएं से दाएं, कभी दाएं से बाएं चलती है, तो उसके लिए फिर बैट्समैन को एडजस्ट करना पड़ता है। अभी जरा थोड़ा सा ये देखना है, ये बड़ा बड़ा वाइटल ओवर है, 15th ओवर बड़ा वाइटल होता है। बैट्समैन दोनों अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और उठा के इसको खेल दिया 4 रन के लिए, अंपायर का इशारा। तो ये है इमरान रंधावा जो है जैसे गेंद शॉर्ट बॉल था उसको उठा के मिड विकेट से खेला 4 रन। और अब साहिर एसोसिएट्स को 69 मजीद रन दरकार हैं जी 6 ओवर में।
इमरान रंथावा बैटिंग कर रहे हैं जी। और एक और बड़ा अच्छा स्टॉक और इस मरतबा गेंद हवा की तरफ से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ये है वो टारगेट, बड़ा बैटिंग ऑलराउंडर है इमरान रंधावा, बड़ा अच्छा हिट जैसे गेंद मिडविकेट पर हवा में उड़ता दिखा तो यकीनी तौर पर ये छक्का था। और ये दो गेंदों पर जो है वो 10 रन बन चुके हैं, अब मजीद 63 रन दरकार है और अभी 4 गेंद इस ओवर के और फिर उसके बाद 5 ओवर मजीद चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला जी, कोई ऐसा ओवर जो इस वक्त अभी तक चल रहा है किसी में भी अगर इजाफा कर जाता है कोई बैट्समैन अगर 20 15 18 20 रन का तो मैच का पासा पलट सकता है जी। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, मजीद रन दरकार हैं जी। और इस मरतबा एक और बड़ा अच्छा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़े दिलकश अंदाज से खेले अब उस ओवर में पूरे में इमरान रंधावा, 2 चौके और 1 छक्का अभी तक लगा चुके हैं। और एक और बड़ा अच्छा स्टॉक और इस मरतबा गेंद फिर दोबारा हवा से होता हुआ 6 रन। और यही वो ओवर था जिसका इंतजार था खयाबान अमीन की टीम को, साहिर एसोसिएट की टीम को। और इस तरह ये अब 53 मजीद रन दरकार हैं जी, एवरेज जो कि पहले 12 रन से ऊपर थी अब तकरीबन 10 रन की एवरेज है। बड़ा दिलकश अंदाज में सिर्फ 13 बॉल पर 25 रन बना दिए इमरान रंधावा ने 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे इमरान रंधावा। और एक और बड़ा अच्छा स्टॉक और इस मरतबा एक और छक्का, बड़ा शानदार बैट्समैन है ये लड़का। बड़ी खुशाइन बात है कि एक ही ओवर में बड़ी खूबसूरत इनिंग्स अभी तक खेली है। बहुत दिलकश अंदाज एक ही ओवर में मैच का पासा पलट दिया है इमरान रंधावा ने। ये लोकल क्रिकेटर जो बड़ी शानदार इनिंग खेलते हैं, इमरान रंधावा मैच का पासा पलटते हुए एक ही ओवर में बड़ा शानदार इनिंग्स का मजाहरा किया है। इस ओवर में अभी तक ये अभी तक जो है वो 3 छक्के और 1 चौका लग चुका है जी इस ओवर में अभी तक, और 135 टोटल हो गए 15 ओवर में। और अब 47 रन जी, 9 रन की एवरेज आ गई है जी, 47 रन मजीद चाहिए 5 ओवर में। अब एस डोकर सामना करेंगे जी। कट खेलना चाहते थे, सिंगल करके इमरान रंधावा को खिलाना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल विजडम टाइल्स। और इस पर तबा आवाज डोकर की तरफ से ऊंचा शॉट और आउट। बड़ा अच्छा स्टोक था, यहां से हमें दिख रहा था कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाए, लेकिन बड़ा अच्छा कैच उल्फत ने किया ये। तो इस तरह छठा विकेट भी गिरा, लेकिन अब इस वक्त यहां विकेट की इतनी अहमियत नहीं है जितनी क्रॉसओवर की थी। तो इमरान रंधावा अब खेलेंगे।
47 रन दरकार हैं जी, बताता चलूं साहिर एसोसिएट के, ये साहिर प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल का मैच है विजडम सिरेमिक्स और साहिर एसोसिएट्स की टीमों के दरमियान। बड़ा जो तीन पहले क्वार्टर फाइनल उनमें सबसे दिलचस्प मुकाबला ये देखने को मिल रहा है, कभी बैटिंग लाइन जो है वो हावी हो जाती है और कभी बॉलिंग लाइन हावी हो जाती है। पर अभी इस तरह जो है वो यासिर अजमल आए हैं अगले बैट्समैन खेलने के लिए, लेकिन इस दौरान और ये दो रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन फील्डर जाके मौजूद हुए, एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ गया हुआ 136 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर। 5/15 ओवर का खेल जारी है तो ये क्रिकेट का हसीन इम्तिजाज बैटिंग और बॉलिंग का जो है वो दोनों टीमों की तरफ से है, साहिर एसोसिएट की टीम और विजडम सिरेमिक्स की टीम। और इस पर तबाह ऊंचा शॉट है, फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं, देखना होगा, दोनों ने मिस किया और इस तरह दो रन का मजीद इजाफा। इस वक्त यहां विकेट गिरना या विकेट हासिल करना किसी किस्म का कोई फैसला कुन नहीं होता, लेकिन दो रन का बन जाना बड़ा अहम और फैसला कुन होता है। तो इस तरह इमरान रंधावा जो बड़ा अच्छा खेल रहे थे उनका अगर ये कैच हो जाता तो मैच का पासा किसी और तरफ जाता, लेकिन दोनों फील्डर के दरमियान ये गिरा है, लिहाजा दो मजीद रन गिरे हुए जी। और इस पर दबा एक और दिलकश स्ट्रोक और इस मरतबा देखना होगा जी अंपायर का इशारा के चार रन है, कैसर भाई ने बताया तो वही अंदाज जो पिछले ओवर में था इमरान रंधावा की तरफ से, इस वही तरह सिर्फ 16 बॉल पर 37 रन बनाए हैं 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से। बड़ी खूबसूरत इनिंग इमरान रंधावा की तरफ से। बड़ा खूबसूरत मैच चल रहा है जी, अच्छा बॉल था, बड़ी समझदारी से इसको वो जो है वो खेल के एक रन बनाया, स्कोर 143 16 ओवर और इस तरह 4 ओवर में 39 रन दरकार है। और दोनों बड़े मजे हुए बैट्समैन यासिर अजमल डोमेस्टिक क्रिकेट और जो लोकल क्रिकेट है उसके बड़े मुस्तरद बैट्समैन, मैंने इनके ग्रेड टू में भी 2-3 सेंचुरियां देखी हैं। उसके अलावा साहिर एसोसिएट की टीम को पिछले 5-7 साल से सर्व कर रहे हैं, तो अब इस तरह जो है वो तकरीबन 9.75 से 4 ओवर में 40 रन बनाने जी। इमरान जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मैच अब आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है और रन रेट वही 9.1, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा रंधावा की तरफ से, तो देखते हैं बॉलिंग के लिए आए हैं दिलशाद। अब बॉलर आए हैं जूनियर, बॉलिंग में तब्दीली और बॉलिंग के लिए आए हैं अली रजा जूनियर। 143 रन 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर, अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है तो दिलचस्प मरहल में मैच दाखिल हो चुका है जी। सीधे बल्ले से खेला है 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 144 जबरदस्त परफॉर्मेंस। वेल प्लेड, फाइनल किया है पेडल स्वीप सा 4 रन के लिए,
बहुत ही चलाकी का मुजाहरा किया यासर अजमल ने। तो बिल्कुल प्रोफेसर साहब बता रहे थे यासर अजमल जो कि 5-6 साल से लगातार सर्व कर रहे हैं साहिर एसोसिएट की टीम को, तो ज़बरदस्त 4 रन हासिल किए। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 148 रन आने चाहिए, किसी तरह भी आए, पैडल स्वीप से आए, रिवर्स से आए, कवर से आए, मिडाउन जिस तरह मर्जी आए रन आने चाहिए। तो यही सोच थी यासर अजमल की 4 रन हासिल करने की, सामना करने के लिए तैयार। रन आउट होने का खतरा है, रिव्यू अजी थर्ड अंपायर रेफर है, गालिबन दिखता तो नहीं है लेकिन अंपायर का डिसीजन जो है वो हमें सॉफ्ट डिवीजन डिसीजन की अंपायर डिसीजंस देख रहा होगा जी हमें इस, अभी रिव्यू हो मैम थोड़ी देर बाद हमारे सामने होगा। हमारे इंजीनियर इरफान जो है वो देख रहे हैं, बड़ा कुछ वक्त दरकार हुआ करता है हमें डिसीजन को देगा, लेकिन रिव्यू सिस्टम का होना साहिर प्रीमियर लीग में यह बड़ी खुशाइन बात है। दोनों टीमें मुंतजर हैं कि क्या फैसला होता है, देखना होगा अंपायर का। ये इस मरतबा ये था वो बॉल, दोनों तरफ अगर बैट्समैन क्रीज में है तो ये नॉट आउट है जो मेरी ओपिनियन, क्योंकि दोनों बल्ला एक तो अंदर है ना, जिस तरफ बैट बॉल लग रहा है उधर गया, नॉट आउट डिसीजन होता चाहिए। मैं मुस्तरद बोल रहा हूं ये नॉट आउट है। बिल्कुल डिसीजन दे रहा हूं मैं भाई पैनल पे हूं, नॉट आउट अंपायर का इशारा। तो इस तरह एक मजीद रन का इजाफा, स्कोर बढ़ गया हुआ 149। रन बन गए जी, अब मजीद 33 रन दरकार हैं जी, और अभी 3 बॉल इस ओवर के पड़े हैं और इसके बाद भी अली रजा जूनियर, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो इस तरह एक और रन का इजाफा 150, और अब 31 रन मजीद दरकार है। अभी इसके बाद 3 ओवर भी हैं और अभी 3 बॉल इस ओवर के बकाया हैं। तो बड़ा अच्छा फैसला जी मुस्तनद, जब बॉल लगा था तो उस वक्त दोनों बैट्समैन क्रीज में थे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ हिट नहीं हुआ। तो इमरान ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि इट वॉज नॉट आउट,
because when ball strike the both batsmen were in the crease chahe udhar se mang le chahe idhar se mang le ha parli taraf agar hota to fir jo bhi batsman reach tha lekin ball lagne ke waqt dono batsman wahi the ek aur white ball ka ishara umpire ka ji score badh gaya hua 151 galiban pressure mein aaye hain bowler अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही ये लड़का अली रजा है जिसने इस साल अंडर 19 में खेलने की कोशिश की थी विकेट थे या नहीं थे लेकिन कोई स्पीड को बॉलिंग कुछ इस किस्म का स्टार्स नहीं था बड़ी जो है इस पर बहस और मुबहसा रहा इसके टीम में शमूलियत के लिए غالباً ये वही क्रिकेटर है आप देख लें फिजिकली और अब प्रेशर भी नहीं हासिल कर पा रहा ये लड़का अली रजा अच्छा स्टॉक बड़ा अच्छा स्टॉक इस दफा एक और उसके बाद दूसरे रन के लिए जाते थे स्कोर बढ़ के हुए 152 चार बॉल हुए जी 16.4 बॉल अब इस मरतबा यासिर अजमल जो है वो अब सामना करेंगे तीन गेंदों पर छह ये भी तकरीबन 200 रन के स्ट्राइक पर और 19 गेंदों पर 40 रन बना चुके हैं रंधावा जितनी भी तारीफ की जाए कम है चेस्टो खेला एक रन का अजाफा स्कोर बढ़ के हुआ 153 और आखिरी बॉल है जी अभी इस ओवर की फिर उसके बाद 7 और इस तरह 29 रन तकरीबन अभी भी दरकार है अली रजा आखिरी बॉल करने आ रहे हैं इस ओवर का और इस मरतबा कवर में स्टॉक खेला और इस तरह 154 रन हैं जी और अब 28 रन मजीद दरकार हैं तीन ओवर में तकरीबन 9.1 कुछ की एवरेज है बाहर से दोनों अतराफ से पैगाम और मैं ये बात बताता चलूं साहिर एसोसिएट की ये बड़ी काविश है कि इस आज अगर लाहौर में कहीं और भी मैच हो रहा होता तो बैड लाइट की नजर आता है लेकिन जो रोशन कुमकुमे मेरे दाएं बानी बाएं जानब से रोशन हुए हैं मैच पे किसी तरह से वो मौसम को असरअंदाज नहीं होने दे रहे और इस तरह तीन ओवर के अंदर अब 28 रन दरकार है 27 टू इक्वल एंड 28 टू विन बड़ा खूबसूरत मैच बड़ा दिलचस्प अंदाज का ये मैच बन चुका है हमें दोनों विजडम सिरेमिक्स और साहिर एसोसिएट दोनों की टीमों को हमें दाद देनी होगी कि इस किस्म का दिलचस्प जो मैच है क्वार्टर फाइनल देखने को नहीं मिला और अब राव खयाम गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म कट कर दिया अच्छा फील्डर मौजूद थे एक रन का इजाफा अब यासर अजमल अब खेलेंगे और इस मरतबा 42 रन पर 2100 के स्ट्राइक रेट पे इमरान रंधावा खेल रहे हैं अब इस ओवर में यासर अजमल को चाहिए कि वो इस किस्म के शॉट्स खेले ताकि टारगेट को मजीद कम एवरेज पर लेके आया जा सके और पेडल स्वीप लेकिन किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं एक रन का और इजाफा स्कोर बढ़ के हुआ 156 छह विकेट जो कि अब कोई मायने खेज नहीं है विकेट का गिरना या रखना क्योंकि अब तकरीबन जो है वो 12-14-15 बॉल रहते हैं जी गालिबन 16 बॉल में 26 रन दरकार है अच्छा स्टोक बड़ा मजा हुआ बैट्समैन दिखता है इमरान रंधावा
देखिए शॉट्स भी खेले और बड़े मौके के मुनासबत से एक सिंगल कर रहा है क्योंकि अगले ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसको हिट कम लगती है, अगले ओवर में कोई भी बैट्समैन आएगा तो उसको कट किया। एक रन का मजीद इजाफा, स्कोर बढ़ के हुआ 158। अब इमरान रंधावा खेलेंगे। और बड़ा अच्छा स्टॉक इमरान रंधावा का, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे। एक और रन का इजाफा, और अगर यासर अजमल समझदार है तो उनको देखना पड़ेगा कि इस ओवर की आखिरी बॉल है और इस ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, तो अगर बाउंड्री लगे तो मैच में वापस आ सकता है। और ये वही स्टॉक जी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, अर्गेन जो है, लेकिन बड़ी अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा, तो इस तरह इस ओवर में सिर्फ 6 रन बने हैं, तो इस तरह 2 ओवर का खेल है और अब 11 रन की एवरेज है जो कि बजाय कुछ दिखती नहीं। इमरान जी, इमरान जी बिल्कुल, अब कंडीशन जो है वो अभी 182 करने 22 रन चाहिए, 2 ओवर का खेल बाकी है, 11 की रन रेट है, देखते हैं। लेकिन रंधावा जो कि नॉट आउट हैं 44 पर, तो उनसे एक्सेप्टेड है कि वो इस टारगेट को चेज करें, तो कुछ भी कह सकते हैं। जी इमरान रंधावा जो कि नॉट आउट है 44 पर, एक्सेप्ट कर सकते हैं इमरान से कि इस मैच को विन करें। जी बिल्कुल, उम्मीद की किरण मौजूद है अभी भी इमरान रंधावा की सूरत में, तो उम्मीद रखी हुई है साहिर एसोसिएट के बैट्समैन के कप्तान ने इमरान रंधावा पर और उनके साथ यासर अजमल। तो बॉलिंग में तब्दीली, तो देखते हैं कौन आए हैं बॉलिंग के लिए। जी गुड रनिंग, बाय का सिग्नल देखना होगा, बाय का इशारा, एक्स्ट्रा में इजाफा। बॉलर है अब्दुल्ला इजाज, स्कोर बढ़ता हो 161 161 161। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है, जबरदस्त अंदाज से बहुत ही शानदार कह लिया, तो इस तरह एक और नुकसान साहिर एसोसिएट की टीम को, 7वां नुकसान इमरान रंधावा की सूरत में। बड़ा नुकसान जी प्रोफेसर साहब। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा स्टॉक था कि उतना ही अच्छा कैच किया गया एक्स्ट्रा कवर पर, और अब्दुल्ला इजाज क्योंकि पहले भी 2 विकेट हासिल किया था, बड़ा ऑर्थोडॉक्स एक्शन है, बाहर से बॉल को लेफ्ट आर्म लेके आते हैं हिट खेलने का, अच्छा तजुर्बा पहले भी मैंने देखा इनके खिलाफ नहीं था। तो अब देखते हैं कि 7वें बैट्समैन आए हैं जी, रियाजुल अमीन आए हैं जी, और अब यासर अजमल क्योंकि सामना करेंगे तो देखना ही होगा कि इस ओवर में कितने रन बना सकते हैं, क्योंकि अगले ओवर का फिर लास्ट ओवर का प्रेशर है। गो मैं जानता हूं कि 11-12 आजकल की क्रिकेट में वो रन नहीं होते, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, पिछला ओवर जो गुजरा ना वो बड़ा वाइटल था जी, इसमें जो 6 सिंगल हुए हैं वहां को एक आधी बाउंड्री आसर अजमल को खेलनी चाहिए थी। और इस मरतबा ऊंचा स्टोक, एक रन और उसके बाद एक ही रन पर इक्तफा करना पड़ा।
स्कोर 163 हो गया जी, अब 19 रन दरकार है और 10 गेंदों पर 19 रन दरकार है जी। फ्री हिट है, माजरत चाहता हूं जी, हमें बताया नहीं गया, फ्री हिट है ये। इस तरह अब 19 रन दरकार है लेकिन ये बॉल फ्री हिट है। अब देखते हैं रियाजुल अमीन जो है इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। अब्दुल्ला और बीट कर दिया, बड़ा अच्छा कमबैक अब्दुल्ला एजाज की तरफ से। नो बॉल था, बल्ले में नहीं लगने दिया, फ्री हिट था, बल्ले में नहीं लगा, एक भी रन नहीं बना। तो इस तरह अब 9 गेंदों पर 19 रन दरकार हैं जी। अगर इस ओवर में खयाबान अमीन साहिर एसोसिएट जीतना चाहती है तो एक बाउंड्री जरूर लगाना पड़ेगी। अब्दुल्ला एजाज बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए, इस पर दबाव, ऊंचा शॉट और एक और विकेट गिरा है जी। माजरा चाहते हैं, हमें ऐसे दिख नहीं रहा। तो इस तरह पांचवा विकेट भी एजाज के हिस्से में। अभी तक 18 रन देके 5 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो इस तरह रियाजुल अमीन आउट हुए हैं। विकेट का ऐसा कोई ज्यादा फैसला नहीं है, सिर्फ लास्ट ओवर, इसके बाद 2 गेंद हैं जी। 8 गेंदों पर जो है वही 19 रन दरकार है। इमरान, जैसे मैं बता रहा था, जो इससे पहले सेकंड लास्ट बल्कि थर्ड लास्ट ओवर था उसमें 6 सिंगल नहीं करने चाहिए था, उसमें कोई ना कोई बाउंड्री हिट खेलते तो वो मैच का पासा कहीं का कहीं होता। जिस तरह इनिंग्स का आगाज किया था इमरान रंधावा ने, वो यासर अजमल की इनिंग्स में वो मुझे पुरतपाक जो चीज नजर आनी चाहिए थी वो नहीं थी। 6 सिंगल कर गए, सिंगल की क्रिकेट आज के दौर में है नहीं। बहरहाल क्रिकेट का हिस्सा है, देखते हैं। जावेद मलिक आए हैं जी, ये भी लोकल क्रिकेटर हैं, बड़ी लीग्स में इधर उधर हमने देखा इनको खेलते हुए। आज इनका कड़ा इम्तिहान है, अगर इन 2 बॉलों पे 1 बाउंड्री भी लगा जाते हैं तो फिर इस तरह 12 14 15 रन की अगर बकाया रह जाए तो बड़ी अच्छी जो है वो खुशाइन बात होगी साहिर एसोसिएट की टीम के लिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब्दुल्ला जो है अभी 2 गेंद उसके और बाकी हैं। जावेद मलिक एक अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है लोकल क्रिकेट में। अब्दुल्ला अच्छा बॉल था, बीट हुए और ये है वो प्रेशर जी जो उस सेकंड लास्ट ओवर में जो है इससे पहले के 1 ओवर में 6 सिंगल किए यासर अजमल ने, तो वो अच्छी इनिंग्स ना थी। अब आखिरी बॉल है, इसको लाजमन अभी भी अगर एक बाउंड्री लगती है तो 15 रन जो है वो अचीवेबल हैं। अब्दुल्ला आखिरी गेंद अपने कोटे का और 19वें ओवर का आखिरी गेंद, और ये एक और ये यासर अजमल जो है गालबन कुछ लंगड़ा रहे हैं, मुझे दिख रहा है ऐसा। तो इस तरह 17 मजीद रन चाहिए जी आखिरी ओवर में। यासर अजमल कुछ फिट नहीं दिख रहे हैं मुझे। बहरहाल अब देखना है इस साहिर प्रीमियर लीग में जो है वो अगर साहिर एसोसिएट की टीम सेमीफाइनल तक रसाई करना चाहती है तो इस आखिरी ओवर में 17 रन कैसे बनाएंगे देखना होगा जी। इमरान जी बिल्कुल जारहाना अंदाज अपनाना होगा यासर अजमल को, और
मैक्सिमम दो छक्के और एक चौका, ये तो मैक्सिमम बाउंड्री चाहिए अगर इस मैच को फतह हासिल करनी है तो। देखते हैं कुछ भी हो सकता है। यासर अजमल बॉलिंग के लिए आए हैं, रोखयाम स्पिन बॉलर है रोखयाम, तो कुछ भी हो सकता है जी। 6 गेंदें बाकी हैं, मुझे याद है एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, 19 रन चाहिए थे तो वो कार्लोस ब्रेथवेट ने लगातार 4 छक्के। ये देखिए पहली बॉल पर पहला छक्का, बहुत शानदार जबरदस्त। और अब सिर्फ 11 रन चाहिए 5 गेंदों पर, मजीद 2 बाउंड्री की जरूरत। वेल डन यासर, वो पहले बॉल पर छक्का बड़ा प्रेशर बना देता है बॉलर के लिए। अब 5 गेंदों पर 11 रन हैं और एक और अच्छा स्ट्रोक, 1 रन दौड़ते हुए जा रहे हैं और जावेद मलिक को रुकना पड़ेगा। तो इस तरह 2 गेंदों पर 7 रन तो बन चुके हैं, अब 4 गेंदों पर 10 रन चाहिए और जावेद मलिक को अब हिट करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने इनको लोकल क्रिकेट में बड़ा ऑलराउंडर की शेप इख्तियार किए हुए देखा। और इस पर दबाव ऊंचा शॉट है, और आउट। यही है जी, मैंने जावेद और इन जैसे क्रिकेटर्स जो लोकल हैं ये कई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते। जावेद को चाहिए था कि ये 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा के मैच को खत्म कर सकता था। अगर क्रिकेटर ऐसा हो तो वो साबित करके दिखाता है कि ये क्रिकेट का उसका खासा है। बहरहाल अब हमारी सब उम्मीदें जो है यासिर अजमल पर है और विकेट भी आखिरी है, अब देखना ये होगा। अली असगर कप्तान आए हैं जी आखिरी विकेट की सूरत में, यहां तक मैच को आना नहीं चाहिए था लेकिन अब अगर मैच आ ही गया तो यासिर अजमल को देखना होगा कि 3 बॉलों पर वो 10 रन कैसे बनाते हैं। ये देखिए मगरिब की आजान भी हुआ चाहती है लेकिन मैच किसी तरह भी रुका नहीं है। बड़ा खूबसूरत मंजर है स्टेडियम का, यहाँ साहिर एसोसिएट्स की टीम अपने साहिर एसोसिएट स्टेडियम में मैच खेल रही है। ऊंचा शॉट, 1 रन और उसके बाद आसानी के साथ 2 रन का इजाफा जी। तो इस तरह 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए जी, 2 गेंद 8 रन चाहिए और यासिर अजमल ही जो है वो गेंद और 8 रन चाहिए, 1 बाउंड्री तो जरूर लगाना पड़ेगी यासिर अजमल को। और इस तरह ये कैच आउट हुए यासिर अजमल और इस तरह ये मैच विजडम सिरेमिक्स ने अपने नाम किया है। बड़ा शानदार और दिलचस्प मुकाबला, तो इस तरह विजडम सिरेमिक्स की टीम की जीत पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये दूसरा क्वार्टर फाइनल जो था आज के दिन का वो विजडम सिरेमिक्स ने अपने नाम किया। इस तरह साहिर एसोसिएट की टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में फतेहयाब नहीं हो सकी। तो अब हमारे पास विजडम सिरेमिक्स, राणा नवीद एकेडमी लुंगफुंग की टीमें और रश्के कश्मीर भी जीता हुआ जी सुबह मैच,
तो चारों टीमें जो है फाइनल में पहुंची है जी, सेमीफाइनल्स में माता चाहता हूं। और परसों पीर वाले दिन जो है वो सेमीफाइनल्स है, और मंगल वाले दिन के बाद से फिर फाइनल का डिसीजन होगा। तब तक के लिए आमिर इस्माइल को साहिर प्रीमियर लीग से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।